Praise the Lord. From the second half, shall we open our Bibles to Luke chapter 21 and read verse 20. Luke 21 अध्याय और उसके 20 वचन की ओर आइए हमारे धर्मशास्त्र में खोले। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से गिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। They know that the desolation thereof is nigh. In the ancient days, there was a man called Abraham. पुरातन दिनों में एक मनुष्य था जिसका नाम था अब्राहम। God called him and gave him a promise. परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसको एक प्रतिज्ञा दी। And he said, I'm going to bless you. I'm going to bless your seed. और उसने कहा कि मैं तुझे आशीष करूंगा और मैं तेरे वंश को भी आशीष करूंगा। And this land on which you're standing, I'm going to give to your seed to inherit. और जिस देश में या जिस जगह में तुम खड़े हो उसे राज्य करने के लिए मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। And God tells him, I'm going to make this as an everlasting covenant. और परमेश्वर ने उसके ये भी कहा कि ये सदा स्थिर रहने वाली सदाकाल की वाचा है। Read Genesis chapter 17 and verse 7 and 8. उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 7 और 8 वचन। और मैं तेरे साथ और तेरी पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय के युग युग की वाचा बांधता रहूं कि मैं तेरा और तेरी पश्चात तेरा वंश का भी परमेश्वर रहूंगा और मैं तुझको और तेरी पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant to be a God unto thee and to thy seed after thee and I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger all the land of Canaan for an everlasting possession and I will be their God. So God makes a covenant with this man. यहाँ पर परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ एक वाचा बांधता है। And I will be a God to your children and I will give them this land on which you are standing. मैं तेरे वंश का भी ईश्वर होऊंगा और जिस देश में तू खड़ा है वो देश उनको मैं दे दूंगा। Now our topic these days is the last days. हमारे जो शीर्षक इन दिनों में जो हम देख रहे हैं वो है अंतिम दिनों में। Jesus is coming very very soon. पर यीशु मसीह बहुत ही जल्द आ रहा है। And he is going to take away those who live in obedience to his word. और जो उनकी आज्ञाओं को मान करके जी रहे हैं उन्हें वो ले जाने को आ रहा है। Just like human marriages take place between men and women, a spiritual marriage, it's an endless everlasting marriage that is going to take place between God and a group of people. और जिस प्रकार हम लोग संसार में मनुष्य के विवाह को देखते हैं एक पुरुष और स्त्री के बीच में उसी प्रकार कभी न खत्म होने वाली सदा सर्वदा स्थिर रहने वाला एक विवाह पर एक आत्मिक विवाह जो परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में होता है। जस्ट लाइक when a man is joined unto his wife they become one flesh in the same way when we get married to God we become one spirit mixed with God. और जब एक व्यक्ति एक स्त्री से विवाह करता है और विवाह के पश्चात जिस प्रकार वे लोग दोनों एक अंग हो जाते हैं उसी प्रकार इस विवाह के माध्यम से परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के साथ एक आत्मा बन जाती है। It's a spiritual excitement that cannot be described with words. और ये एक ऐसी आत्मिक उत्तेजना है जिसको हम लोग शब्दों से बयान कर नहीं सकते। It's the ultimate joy and satisfaction that a human being can have. और यही वो अंतिम चरण का वो आनंद और खुशी है जो मनुष्य प्राप्त करता है। So Jesus is going to come and snatch away a group of people and they are going to be joined with Jesus in everlasting wedlock. और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को इस संसार से खींच करके छीन करके ले जाएगा और वे लोग परमेश्वर के राज्य में सदा सर्वदा के लिए एक विवाह के बंधन में दिखाई देंगे। The history of Jerusalem proves two things. और यरूशलेम का इतिहास दो बात को बताता है। One, it proves how faithful God is in His promises, despite on how unfaithful man is. मनुष्य कितना भी अविश्वासी के होने पर भी परमेश्वर अपने विश्वास अपने प्रतिज्ञा में कितना विश्वास चुके हैं ये उसे दिखाती है। Two, the contemporary history of Israel or the current history of Israel tells us how close we are to the coming of Jesus Christ. वर्तमान यरूशलेम का जो इतिहास है जो अवस्था है वो इस प्रकार बता रही है कि हम यीशु मसीह के आगमन के कितने करीब आ पहुंचे।
God made a promise to this man Abraham and to his seed. और परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंश के साथ एक प्रतिज्ञा किया. For centuries, the seed of Abraham, the children of Abraham, proved how unfaithful they are to God. कई शताब्दियों से अब्राहम के वंश ने इस बात को दिखाया कि कितने वे लोग परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य हैं. But God has been proving through the centuries how faithful He is on His part. Towards Jerusalem and the Israelis. तथापि परमेश्वर यरूशलेम के प्रति और इज़राइलियों के प्रति शताब्दियों से ये बताते आ रहा है कि वो कितना विश्वास योग्य है. The whole history of Jerusalem since its conception, since its birth, is full of warfare. यरूशलेम के शुरुआत से, जब से यरूशलेम का जन्म हुआ या उत्पत्ति हुआ, तब से हम उसमें युद्ध और लड़ाइयों को देखते आ रहे हैं. Through the centuries, so many enemy nations have tried to stamp it out, but still it exists and it prospers. शुरू से लेकर कहीं यरूशलेम के ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई की कि उसको संपूर्ण रीति से रोक डाले, किंतु आज भी ये यरूशलेम स्थिर खड़ा है. Its survival among so much of enmity is indeed a miracle. अनेक शत्रुता के मध्य भी आज भी वो खड़ा है या जीवित अवस्था में, ये अपने आप में एक अचंभा है, एक अजूबा. Jerusalem has been an attraction for the whole world. आज यरूशलेम सारे जगत के लिए एक आकर्षण का कारण. There are many reasons for this. और उसका कोई कारण है. Today everybody wants Jerusalem. आज हर एक व्यक्ति यरूशलेम को चाहता है. The first reason. पहला कारण. Jerusalem is sacred. विशेष करके यरूशलेम तीन धर्म लोगों के लिए एक विशेष पवित्र स्थान. All these three religions are monotheistic religions, believers in one God. और ये जितने भी तीन धर्म हैं, उन लोग एक ईश्वर के मानने वाले. One is Judaism or the Jews. एक जो धर्म है वो यहूदा धर्म. For them, Jerusalem is sacred because their temple is there. और उनके लिए ये यरूशलेम पवित्र है क्योंकि उनका मंदिर वहां पर है. But today, if Jerusalem is a place of controversy, the Jews, the Israelis say that Jerusalem is ours, whereas the UN, the United Nations Organization, says no, part of that has to be given to the Palestinians. और आज ये यरूशलेम एक विवाद के मध्य में फंसा हुआ है क्योंकि यरूशलेम के निवासी यहूदी लोग कहते हैं कि ये हमारा स्थान है, किंतु UN के लोग ने इस प्रकार घोषित किया है कि ऐसा नहीं है क्योंकि उसका एक भाग फलस्तीनियों को दिया गया. Secondly, Jerusalem is sacred to the Christians. और दूसरा, ये यरूशलेम मसीहों के लिए भी एक पवित्र स्थान माना जाता है. Because that's the place that their Savior Jesus died. क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ पर हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की मौत हुई. So the Roman Catholics and the Protestants, all for them, Jerusalem is a sacred place. इसी के लिए रोमन कैथोलिक के लोग हो या प्रोटेस्टेंट करने वाले लोग हो, उन सब के लिए ये यरूशलेम एक पवित्र स्थान ठहरा. Thirdly, Jerusalem is sacred to the Muslims. और तीसरा, ये यरूशलेम मुस्लिम लोगों के लिए भी एक पवित्र स्थान. Because according to them, it was from Jerusalem that Muhammad, their main prophet, ascended to heaven. और उसका कारण यह है कि यरूशलेम से ही उनका मुख्य नबी मोहम्मद स्वर्ग में उठा लिया गया. So for all these three religions, Jerusalem is sacred. इसी कारण से ये तीनों धर्म के मानने वालों के लिए यरूशलेम बहुत ही पवित्र और मुख्य स्थान. So these three groups of people form the large chunk of the world. So most people in the world look towards Jerusalem, it's sacred to them. और ये तीन धर्म के लोग ही आज पूरे विश्व भर में भरे हुए हैं. इसी कारण से इन तीनों धर्म के लोग यरूशलेम की ओर दृष्टि लगाए बैठे हैं. Secondly, the strategic location of Jerusalem. Jerusalem is located in a very good place. और दूसरा विषय को देखने के समय में यरूशलेम एक ऐसी जगह में स्थित है जो बहुत ही उपजाऊ या बहुत ही सुंदर स्थान. Turn to Ezekiel chapter 5 and read verse 5. Ezekiel की किताब पांचवी अध्याय के पांच वचन को पढ़ के देखिए. प्रभु यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वो चारों ओर देशों से गिरी है. Jerusalem, I have set it in the midst of the nation and countries that are round about her. So, what does this verse say? ये वचन क्या कह रहा है? It says Jerusalem is in the middle of many countries around it. और यहाँ पर लिखा है कि यरूशलेम बहुत सारे देशों से घिरा हुआ एक स्थान. How did Ezekiel know this? He didn't have any map. He didn't go on a helicopter, an aeroplane, and then have a look at where Jerusalem was located. और ये यज़ेकेल तो कभी
हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ करके या पृथ्वी से ऊपर उठ करके इसने ये नहीं देखा कि यरूशलेम कहां पर है या किस प्रकार वो देशों से घिरा हुआ है, तो फिर इसको कैसे मालूम चला कि ये यरूशलेम पूरा घिरा हुआ देश है? But if you look at the world map, किंतु जब आप जगत के मानचित्र को देखोगे, Jerusalem or Israel is the center of three continents. आप जब यरूशलेम को देखोगे या इज़राइल को देखोगे, तो तीन महाद्वीपों के मध्य में इसे पाओगे. You can't see it on this map. Still, I'll show you. इस मानचित्र में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता करके दिखाऊंगा. This is Jerusalem or Israel. यहाँ पर यरूशलेम या इज़राइल को आप देखते हो. To the east of Jerusalem, this whole area in the world map is Asia. और आप उस यरूशलेम के पूर्व दिशा की ओर देखोगे तो जितना भी स्थान या क्षेत्र को आप देख रहे हो वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है. To the south of Jerusalem or Israel, this part is Africa. Because you see Egypt there, this part is Africa. अगर आप यरूशलेम के दक्षिणी क्षेत्र की ओर ध्यान दोगे तो देखोगे वो सारा क्षेत्र जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर दिखाई देता है. To the north of Israel, north west, this section is Europe. और अगर आप उत्तरी पश्चिम जगह को आप देखोगे तो देखोगे कि वो सारा स्थान जो है वो यूरोपियन स्थान को दिखाता है. सो इज़राइल इज इन द सेंटर ऑफ नॉट थ्री कंट्रीज बट थ्री कॉन्टिनेंट्स. तो इस प्रकार ये यरूशलेम कुछ तीन देशों के बीच में नहीं किंतु तीन महाद्वीपों के मध्य में स्थित है. सो हाउ एक्यूरेट इज द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू इज़ेकियल व्हेन गॉड इज सेइंग Jerusalem is in the midst of the countries and nations around her. और जब परमेश्वर यज़ीकेल भविष्यवक्ताओं के द्वारा जब यह कहता है कि यरूशलेम देशों से घिरा हुआ है, तो यह विषय देखो मानचित्र के अनुसार भी कितना सही और सटीक है. This proves that this is not Ezekiel who said this, but God has written this through Ezekiel. इसका इससे यह साबित होती है कि ये यज़ीकेल ने इस विषय को नहीं कहा या बताया कि तो परमेश्वर ने आप यज़ीकेल के माध्यम से भविष्यवाणी के द्वारा इस बात को यहाँ पर दर्शाया. So because Jerusalem's location is such, everybody likes Jerusalem. और इस प्रकार यरूशलेम की जो क्षेत्रफल या जो जगह है वो इस रीति का इस प्रकार है, तो हर एक के लिए वो पसंदीदा स्थान है या आकर्षणीय स्थान. Thirdly, तीसरा, Jerusalem has been prospering or has become a fertile land recently. और इन दिनों में देखने के टाइम यरूशलेम एक उपजाऊ देश नहीं तो एक समृद्धि प्राप्त देश है. 60 years ago, Jerusalem was a desert. 60 साल पहले इज़राइल itself. 60 साल पहले इज़राइल नहीं तो ये यरूशलेम जो स्थान जो है वो एक मरुभूमि के समान था. We had a pastor called Pastor A.C. Thomas. हमारे लिए पास्टर हुआ करते थे जिनका नाम है पास्टर A.C. Thomas. He went to Israel. वो इज़राइल गए. He went to Israel in the year 1960. और 1960 मसीहा में वो इज़राइल में गए थे. And when he went there, he went to a university. और जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर वो एक विश्वविद्यालय में गए. There he met a professor in that Hebrew university. और उस इब्री विश्वविद्यालय में वहाँ पर एक प्रोफेसर के साथ उसका मुलाकात हुआ. And the professor was saying in sorrow to Pastor A.C. Thomas, he took soil from the ground and he took it and he let it down like this and said, what will grow in the soil? और ये प्रोफेसर पास्टर A.C. Thomas को देखते हुए इस प्रकार हाथ में उस यरूशलेम के या इज़राइल के मट्टी को लिया और उसको उंडेलते या ढालते हुए कहा कि इस मट्टी में क्या उगेगा, देखो कितना मरुभूमि जैसा स्थान है. And he said, to make trees grow, to make plants grow, to make fruits grow, they are importing mud from other countries to Israel. और ये प्रोफेसर ने इस प्रकार भी बताया कि यहाँ पर कोई पौधों को लगाने के लिए या कोई वृक्ष रोपण करने के लिए या इस ये देश में फल उपजाऊ हो इसलिए हम लोग विदेश से मट्टी को मंगवाते हैं. But there is a prophecy about this in the Bible. किंतु बाइबल में इस यरूशलेम के बारे में एक भविष्यवाणी. Read Isaiah chapter 51 and verse 3. यशय किताब 51 अध्याय और उसके तीसरा वचन की ओर ध्यान दें. यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब कंडरों को शांति दी है, वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा, उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई देगा. For the Lord shall comfort Zion, he will comfort all her waste places, and he will make her wilderness like Eden, and a desert like a garden of the Lord. Joy and gladness shall be found therein, thanksgiving and the voice of melody. This is a prophecy. It can be taken in many meanings, but the literal prophetic meaning of this verse is
Israel is a barren desert like place, a wilderness, but I will make it in like the garden of Eden prosperous. ये जो वचन यहाँ पर बताया गया है उसका बहुत सारे अर्थों को हम लोग ले सकते हैं, लेकिन उसका अक्षरी और सही सीधा साधा अगर अर्थ हम लें तो ये भविष्यवाणी इस प्रकार कहती है, यरूशलेम या इज़राइल जो एक बांझ जमीन है, जो एक सूखा हुआ मरुभूमि के समान है, उसे में एक उपजाऊ स्थान, एक हरा भरा स्थान करके बना दूंगा। Today, the situation has changed. आज वहां की परिस्थिति बदल गई। Fruits and flowers and plants are so many. It's on the streets like wild fruits. It's growing everywhere. आज यरूशलेम में देखने से वहां पर फल, फूल, सब्जियां इतने ज्यादा मात्रा में हो रही है मानो सब जंगली हो। In fact, that small country Israel is called the fruit basket of Europe. आज ये छोटा सा राष्ट्र को यूरोप का बास्केट का भरा हुआ सब्जियों और फलों से भरा हुआ करके कहा जाता है। That small country which was a desert 60 years ago. ये जो छोटा सा राष्ट्र 7 साल पहले जो मरुभूमि था, God promised it's going to become like the Garden of Eden. परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं उसे परमेश्वर का अदन वाटिका के समान बनाऊं। Today it is the fourth biggest exporter of fruits in the whole world. आज वो सारी जगत में चौथा स्थान है जो सारी दुनिया में अपने फलों को भेजता है, व्यापार करता है। So when you see what is written about Jerusalem in the Bible and what's happening to Jerusalem in the real world, you have to really wonder and understand that God is real and something supernatural is happening out there. जब हम लोग बाइबल में लिखे हुए यरूशलेम के विषय की भविष्यवाणी को देखते हैं और यरूशलेम में जो बातें हो रही है, जब उसको हम लोग तुलना करके पाते हैं तो हम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि धर्मशास्त्र में लिखा हुआ बात कितना सत्य है और परमेश्वर भी कितना वास्तविक है और सच में कुछ तो एक अलौकिक कार्य यरूशलेम में तो इज़राइल में हो रहा है। Fourthly, चौथा विषय, This Jerusalem is a God-chosen place. ये यरूशलेम स्थान ईश्वर का चुना हुआ स्थान। In many places in the Bible, God says, "This is Jerusalem which I have chosen." बाइबल में, धर्मशास्त्र में कई जगह में इस प्रकार उल्लेख है कि ये यरूशलेम को मैंने चुना है। There are many verses, but we'll read just one. कई वचन तो हैं, किंतु एक वचन को हम देखेंगे। Second Chronicles chapter 6. दूसरा इतिहास 6 अध्याय। And read verse 6. और उसका 6 वचन। परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहां हो। But I have chosen Jerusalem that my name might be there. So this is what God is saying. I have chosen Jerusalem. परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैंने यरूशलेम को चुना। So Jerusalem is not Israel's land. It is God's land because God has chosen it. ये यरूशलेम इज़राइलियों का देश नहीं, किंतु ये परमेश्वर की निज भूमि है क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना। And according to God's promise, God selected the children of Abraham. They are called the Israelites or the Israelis, and they were placed in Israel or Jerusalem. और परमेश्वर की योजनाबद्ध रीति के अनुसार परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम के वंश ही वहां पर वास करते हैं और वही इज़राइली करके कहलाए जाते हैं। And God said, you must build a temple for me in this place. और परमेश्वर ने उन लोगों से कहा कि तुम मेरे लिए एक मंदिर बनाना। So Jerusalem became the place where the temple of God came, where God would descend and speak to human beings. और इस प्रकार यरूशलेम में एक परमेश्वर का मंदिर होने लगा और वहां पर परमेश्वर उस मंदिर में निवास करते हुए मानव जाति के साथ बात करना शुरू किया। In that temple of God, there were two rooms. और उस परमेश्वर के मंदिर में दो बखरा है, दो रूम है। The inner room was called the most holy place. That was where God would come down. जो भीतरी कमरा है, उसे अति पवित्र स्थान करके कहा जाता है, और यही वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर स्वयं उतरता है। There was a box there called the Ark of the Covenant. और उस अति पवित्र स्थान में एक बक्सा रखा है, जिसको वाचा का संदूक करके कहा जाता है। That box had a lid. और उस बक्से के ऊपर एक ढकना है। That lid was called a seat, mercy seat. और उस ढक्कन को ही प्रायश्चित का ढक्कन करके कहा जाता है। When you say seat, it's for someone to sit. अगर उसको एक ढकना में तो बैठने का स्थान करके कहा जाता है, तो उसमें निश्चय कोई बैठना चाहिए। That was God's seat or God's throne on earth in the Old Testament times. और इस प्रकार वो जो ढक्कन है, प्रायश्चित का ढक्कन है, वो पुरातन में परमेश्वर का स्वयं
बैठने का या उतरने का स्थान बन गया. Whenever God descended from heaven onto this planet earth in the early days, he would descend in Jerusalem, in the temple, in the most holy place, on the mercy seat. और जब कभी भी परमेश्वर पुरातन नियम में मनुष्य के साथ वार्तालाप करने के लिए इस पृथ्वी में उतर करके आया, उस समय में परमेश्वर यरूशलेम में उतरा और यरूशलेम में वो इस मंदिर में उतरा और इस मंदिर में वो अति पवित्र स्थान में और अति पवित्र स्थान में इस बक्से के ऊपर दिखाई देने वाले इस प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर. So because Jerusalem had the throne of God, क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर का सिंहासन, not only human beings, even Satan has wanted Jerusalem. न केवल मनुष्य किंतु शैतान भी उस स्थान को चाहता है. So very soon the Antichrist is going to rule the world and Satan is going to get inside him. बहुत ही शीघ्र मसीह विरोधी पूरे जगत के ऊपर राज्य करेगा और वो भी चाहेगा कि मैं वहां पर जाकर के राज्य करूं. Initially he'll be very friendly with the Jews and make a covenant with them. प्रारंभिक दशा में देखने के समय में वो यहूदियों के साथ एक मैत्रीता को दिखाएगा. But in the middle of his seven-year covenant, he will break the covenant and filled with his lust to go and sit on the throne where God who used to sit, he goes to Jerusalem. वो 7 साल का वाचा जो यहूदियों के साथ बांधेगा, उस 7 साल के वाचा के मध्य में जाकर के वो उस वाचा को तोड़ते हुए वो यरूशलेम में जाकर के मंदिर में बैठने के लिए अभिलाषी होगा. So not only human beings, even the devil wants Jerusalem. ना केवल मनुष्य, किंतु शैतान भी उस यरूशलेम को चाहता. So in the last days, Jerusalem is becoming more and more important. इस प्रकार अंतिम दिनों में यरूशलेम बहुत ही और बहुत ही मुख्य होते जा रहा है. We are going to see what's going to happen to Jerusalem in the last days. When I say Jerusalem, it's not simply Jerusalem, but Israel. और जब मैं यरूशलेम करके कहता हूँ, तो वो मात्र केवल यरूशलेम नहीं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य संपूर्ण इज़राइल के साथ है. और हम देखेंगे कि अंतिम दिनों में इस यरूशलेम के साथ क्या होने वाला है. It is here that you see the faithfulness and the endless love of God. और यहाँ पर आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता और कभी ना खत्म होने वाले प्रेम को देखोगे. सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी गॉड रीच्ड आउट टू इज़राइल. शताब्दी से शताब्दी, समय से समय लेकर के परमेश्वर इज़राइल में अपने लोगों से मिला. गॉड हर्ड देयर क्राई व्हेन दे वर कैप्टिव्स इन अनदर कंट्री कॉल्ड इजिप्ट. जब वो मिस्र देश में गुलाम की अवस्था में थे, तब परमेश्वर ने वहां से अपने लोगों की कहराने की आवाज दुहाइयों को सुना. गॉड परफॉर्मड मिरेकल आफ्टर मिरेकल, स्मोट द इजिप्शियंस एंड ब्रॉट द इज़राइलाइट्स आउट. परमेश्वर ने एक आश्चर्य काम के पीछे दूसरे आश्चर्य काम को किया और अद्भुत रचने के काम को करते करते मिस्रियों को मार के वहां से अपने लोगों को छुड़ा लाया. He brought them to the wilderness and gathered them all on a mountain, onto a near a mountain, and came on the mountain and said, "All of you, listen to me. I want to talk to you." परमेश्वर उनको मिस्र देश से बाहर निकाल करके मरुभूमि में ले गया और एक पर्वत के नीचे उन्हें बसा करके परमेश्वर स्वयं पर्वत के ऊपर उतरा और उनसे कहा कि सुनो, मैं तुमसे क्या कहता हूँ. You are my people. तुम मेरे लोग हो. I am your God. मैं तुम्हारा ईश्वर. I made a covenant with your first father Abraham that I will be your God and you will be my people. मैंने तुम्हारे पूर्व पिता या प्रथम पिता अब्राहम के साथ वाचा बांधा कि मैं तुम्हारा ईश्वर होगा और तुम मेरी प्रजा. I promised your father that I will take you to the land where he was, the land of Canaan. और मैंने उसको ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी वंश को उस कनान में ले जाऊंगा जहां पर तुम्हें सबसे पहले ले गया था. So listen to what I say, keep my commandments, I will take you there. इसकी तुम मेरी ओर ध्यान से सुनो और मेरी आज्ञाओं को पालो, तब मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा. I'm not just partial to you, I want to use you as the first fruits to reach out to the whole world. मैं तुम्हारे साथ कोई मतभेद को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें पूरे जगत के सामने पहला फल स्वरूप रखूंगा. When God came down on that mountain with lightnings and trumpets and thunders and black clouds and earthquake, they all got scared. और जब परमेश्वर उस पर्वत के ऊपर बिजली की चमकने के शब्द के साथ, आंधी तूफान के साथ, घोर अंधकार के रूप में, आग के रूप में प्रकट हुआ, तो ये सारे लोग उसे देख के डर गए. They told Moses, "Let not God speak to us; he's very scary. You listen to what he says and you tell us." तुरंत उस बात को देख करके इज़राइल के लोग मूसा को कहने लगे, हे मूसा, ये परमेश्वर हमसे बात न करे क्योंकि उसका रूप बहुत ही भयंकर है, तू जा उससे बात कर और हम तेरी सुनेंगे. After that, for many centuries, the Bible records how rebellious and how backsliding the children of Israel were. They didn't want that God. They loved other gods. और हम देखते हैं कि इतिहास बताती है या पुरातन की किताबों में ये सभी बातें बताया गया है कि बार बार ये इज़राइल लोग परमेश्वर के विद्रोही बने और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं पालन किया. Finally, God came down personally to Israel. और इस प्रकार परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से इज़राइल में आया. This is my Israel, my people, my Jerusalem.
ये मेरी इस्राएल है, ये मेरे लोग है, ये मेरा यरूशलेम। एंड ही वॉक्ड अमंग्स देम, और वो उनके मध्य में चला फिरा। ही डिडंट कम लाइक लाइटनिंग एंड थंडर एंड अर्थक्वेक लाइक बिफोर, ही केम डाउन इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग सो दैट पीपल मे नॉट रन अवे सो दैट दे कैन कम क्लोज टू हिम। पहले के समान वो एक बिजली की नहीं, आंधी तूफान या आग या भूकंप के समान वो नहीं आया, किंतु एक साधारण मनुष्य के समान ही जगत में आया, ताकि ये लोग मेरे साथ, मेरे निकट आए और मेरे साथ चले। Now man does not have to run away from God. अब मनुष्य को नहीं चाहिए कि वो ईश्वर को देख के डर के भागे। Now man can go close to God. अभी मनुष्य परमेश्वर के निकट आ सकता है। So what did man do? तो मनुष्य ने क्या किया? He went close to God. वो परमेश्वर के पास तो गया। Went very close to God. और भी करीब गया। Went so close to God that they took nails and crucified him. और वो इतने करीब परमेश्वर के आ गए कि उन्होंने खील को लिया और मसीह को कलवरी क्रूस पे ठोक दिया। Although Jesus showed his love and was so faithful to them and they killed him, still Jesus is alive today. He still loves Jerusalem. यद्यपि उन लोगों ने यीशु मसीह को लेकर के मार दिया, तथापि आज भी यीशु मसीह जीवित है और वो आज भी यरूशलेम को और इज़राइलियों को प्रेम करता है। You may hate me, you may reject me, but I promised something to your forefather Abraham and I will fulfill that. तू मुझे नफरत कर सकता है और तू मुझे घृणा करता है, किंतु मैंने जो तेरे पूर्वजों के साथ प्रतिज्ञा किया है, इस कारण से मैं अब भी तुझे प्यार करता हूँ। I made an everlasting promise and covenant to your father Abraham. मैंने तेरे पिता अब्राहम के साथ सदा सर्वदा स्थिर रहने वाली एक वाचा बांधा। So even if this earth is removed and the earthly Jerusalem is dissolved, even in heaven there is a Jerusalem, so that my everlasting covenant will be fulfilled in Jerusalem. ये पृथ्वी ढल जाएगी, ये पृथ्वी वर्तमान दिखाई नहीं देगा ना ही यरूशलेम, तथापि परमेश्वर इस यरूशलेम के साथ जो वाचा बांधा, इस कारण से स्वर्ग में उसने यरूशलेम को बनाया। If God has made a promise to you, अगर परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की, remember the history of Jerusalem. यरूशलेम के इतिहास को याद रखिए। Jerusalem has always been rebellious to God, but God is faithful in his promise. यरूशलेम हमेशा अपने परमेश्वर के प्रति विद्रोही रहा, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे में विश्वासयोग्य है। Brother, dear sister, do not think that God has forgotten you. परमेश्वर के प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप ये ना सोचो कि परमेश्वर आपको भूल गया। God says, even if your mother forgets you, you are graven in the palms of my hands. I will not forget you. परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि तेरे को दूध पिलाने वाली माँ तुझे भूल जाएगी, किंतु तू मेरे हाथ में खोदा गया है, इसके लिए मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। If God can be faithful to an unfaithful Jerusalem, a group of people who nailed him on a cross, and he can still love them, he can love you and fulfill his promise in your life as well. आप विश्वास कीजिए, यरूशलेम निवासी लोग जिसको इस परमेश्वर ने प्रेम किया लेकिन उन लोगों ने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, अगर परमेश्वर उनको प्यार कर सकता है तो वो आपको क्यों नहीं? Now we are going to come to the current contemporary history of Israel. वर्तमान इज़राइल का वर्तमान की इतिहास को अवस्था को हम देखें। If you look at the recent history of Israel, अगर इज़राइल के वर्तमान के इतिहास को हम देखते हैं, very often when Israel is in danger, जब कभी भी इज़राइल में खतरा मंडराया, they have what is called, they hold what is called preemptive strikes. That means before the enemy can come and strike them, while they are making plans, these Israelites will go and strike them. जब कभी भी शत्रु एक योजना बनाते हैं कि इज़राइल के ऊपर हम आक्रमण करेंगे, इससे पहले कि वो अपनी योजना के अनुसार इज़राइल के ऊपर आक्रमण करे, इज़राइली लोग उससे पहले ही उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। I told you about the six day war that took place in 1967. 1967 मसीहा इज़राइल के ऊपर जो आक्रमण हुआ और छह दिन में वो जो युद्ध खत्म हुआ, उसके बारे में आपको कल बताया था। Four countries were making plans to come together and come against Israel. चार राष्ट्र के लोग इज़राइल के विरुद्ध में चढ़ाई किए कि उनको वो मार गिराए। While they were making plans, Egypt was the leader of them. और जब इन लोग इस प्रकार योजना कर रहे थे, मिस्र देश उन लोगों की अगुवाई कर रहा था। While before they could start, the Israelites sent their air force, their fighter planes to these four lands, bombed their airplanes and came back. और इससे पहले कि उन लोग इस योजना के अनुसार इज़राइल के ऊपर आक्रमण करें, रातों रात इज़राइली लोगों ने अपने लड़ाकू हवाई जहाज के द्वारा मिस्र देश में दिखाई देने वाले सारे उनके हवाई अड्डों को नेस्तनाबूत कर दिया। Four nations bigger than Israel tried to fight against Israel. Israel won the battle. In 6 days they surrendered. इज़राइल से भी बड़े क्षेत्र वर्ग में दिखाई देने वाले बड़े बड़े राष्ट्र इज़राइल के विरुद्ध में लड़ने के लिए आए, किंतु ये छोटा सा इज़राइल 6 दिन में उन्हें परास्त कर दिया। Before that six day war, 6 दिन के युद्ध से पहले,
This was Israel, the white portion that you see here. ये जो सफेद भाग को आप देखते हो यही इज़राइल. But after the six day war, लेकिन छह दिन के युद्ध के बाद Israel got extra land. और इज़राइल को अतिरिक्त स्थान मिला. Three pieces of land. और तीन भाग जमीन. This is called the West Bank. और इसी को पश्चिमी भाग या पश्चिमी स्थान कहा जाता है. Then this strip called the Gaza strip. और ये जो जो जगह है उसको गाजा का स्थान करके कहा जाता है. Then that bit called the Golan Heights. और उसको हम लोग गोल्डन हाइट्स करके कहते हैं. गोलन हाइट्स करके कहते हैं. So Israel became bigger than before because of after the six-day war. छह दिन के युद्ध के बाद इज़राइल का स्थान और भी बढ़ गया. Because they attacked first. क्योंकि उन्होंने पहले उनके ऊपर चढ़ाई की. So this Israelites are popular for doing that. और इस प्रकार के कामों के लिए इज़राइल लोग बहुत ही प्रसिद्ध हैं. This year, early this year, इस साल के आरंभ में 2013, January 31st. जनवरी महीने के 31 तारीख वर्ष 2013. Very secretly. गुप्त तरीके से. A fleet of trucks carrying missiles was slowly passing through Syria. सीरिया के जमीन से होते हुए ट्रक से लदा हुआ बम मिसाइल्स जो है वो जा रहा था. Where it was going, nobody knows, but the Israelites suspected it's going to be used against us. ये किस तरफ या किसके लिए जा रहा है कोई नहीं जानता था, किंतु इज़राइलियों ने इस प्रकार सोचा या उनके अंदर शंका आई कि जरूर ये हमारे विरोध में इस्तेमाल किया जाने वाला है. Before anyone could realize what's going on, planes took off from Israel, went and bombed those trucks and came back. इससे पहले कि और भी कोई कुछ समझ पाते, इज़राइल का लड़ाकू विमान उड़ा और इन सारे ट्रकों के ऊपर बम विस्फोट करके उसे नाश कर दिया. So Syria is very angry now. How can they come into our area and throw bombs? और सीरियन के लोग जो बहुत ही क्रोधित हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हमारे इलाके में आकर के हमारे ऊपर बम विस्फोट करें? This is called preemptive striking. Before they can decide what to do, Israel goes and bombs. इसी को कहते हैं कि उन लोग की योजना या उनकी सोचने से पहले ही आकर के इज़राइल उनके सारी योजना को नष्ट कर देना. This is possibly one reason. One cause, this preemptive striking characteristic of Israel could be one cause why a third world war is going to start very soon. और इस प्रकार का ये जो इज़राइलियों का जो तरीका है कि कोई भी हमको मारने से पहले ही हम उसको मार दें, ये कारण इसके लिए हो सकता है क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध बहुत ही निकट है. What is going to happen in the third world war? We will see now. हम लोग अब देखेंगे कि तीसरा विश्व युद्ध में क्या होगा. But before that, उससे पहले we are going to see something that's going to happen to Syria that in the last days. अंतिम दिनों में सीरिया के साथ क्या होगा उसके विषय में थोड़ा कुछ देखते हैं. Israel, this is Israel and this is Syria and they have a small common boundary. और यहाँ पर हम लोग इज़राइल को और सीरिया को और दोनों के लिए एक समान सीमा रेखा को देखते हैं. There is a verse about Syria. सीरिया के विषय में एक वचन. It's an unfulfilled prophecy. और ये भविष्यवाणी है जो अब तक पूरा नहीं हुआ. Turn to Isaiah chapter 17. यशायाह किताब 17वां अध्याय. And read verse 1. और उसका पहला वचन. दमिश्क के विषय बारी भविष्यवाणी, देखो दमिश्क नगर न रहेगा, वो खंडहर ही खंडहर हो जाएगा. The burden of Damascus, behold, Damascus is taken away from being a city, and it shall be a ruinous heap. Many of us may have heard the name Damascus because St. Paul was converted when he was going on that road to Damascus. कई लोगों ने इस दमिश्क नामक स्थान के विषय में सुना होगा क्योंकि संत पौलुस दमिश्क की ओर जाने के समय में ही उसके जीवन में परिवर्तन आया. What you must know is Damascus is the capital city of Syria. और आप केवल इतना ही जानते हो कि ये दमिश्क नामक जो स्थान है सीरिया का राजधानी. And this verse says this Damascus or the capital of Syria is going to be a ruinous heap and is going to be taken away from being a city. और यहाँ पर जो भविष्यवाणी कहा गया है वो ऐसा कहा गया है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क को एक ऐसा नगर बनाया जाएगा जहां पर कोई ना रहेगा और वहां पर केवल खंडर ही खंडर होगा. Damascus is on record in being the oldest continuously inhabited city in the world. जगत में दमिश्क को इसके लिए प्रसिद्धि मिली क्योंकि वहां पर निरंतर सर्वदा से बहुत ही पुराने समय से लोग वास करते आ रहे हैं. That means this prophecy about Damascus ceasing to be a city
becoming a heap is not yet fulfilled. और इसका अर्थ यह है कि ये दमिश्क जो है एक ना रहने वाला नगर बन जाएगा या फिर जो खंडर ही खंडर हो जाएगा, ये भविष्यवाणी अभी तक सफल या पूरा नहीं हुआ. That means it's going to happen. इसका अर्थ है होने वाला है. Read also verse 14. 14 वचन को भी पढ़ के देखिए. Read only the first bit. उसके पहला भाग. सांस को देखो, घबराहट है. And behold, at evening child trouble. And the next bit also. And before the morning, he is not. और भोर से पहले वे लोप हो गए हैं. This is a continuation of verse 1. पहले वचन का लगातार में ये कहा गया है. See, in those days, people never knew about bombs. उन दिनों में बम के बारे में लोग कोई नहीं जानता था. They only knew about stones and bows and arrows. उन लोग केवल धनुष बाण या पत्थर को ही जानते थे. But look at the prophecy that is mentioned here. लेकिन यहाँ भविष्यवाणी जो लिखा है उसको देखो. Damascus, a huge city, is going to cease from being a city. In the evening it is there. Early in the morning the next day it is not there. In overnight it is destroyed. दमिश्क नगर जो एक बहुत बड़ा स्थान है, सर्वदा से लोगों के लिए निवास स्थान होकर के दिखाई दिया और वो नगर होकर के दिखाई नहीं देगा. सांस को देखोगे तो वहां पर एक नगर मिलेगा, लेकिन जब भोर से पहले उसको देखोगे तो वो लोप हो जाएगा. So someone is going to throw an atomic bomb on Damascus very soon. इसका अर्थ यह है कि बहुत ही शीघ्र दमिश्क के ऊपर कोई अणु बम को डालने वाला है. Most probably it's going to be Israel because Israel is the current enemy of Syria. और हो सकता है कि इज़राइली लोग ही बम डालें क्योंकि सीरिया देश का वर्तमान सबसे बड़ा शत्रु इज़राइली लोग. And this can result in a war. और इसका परिणाम युद्ध होगा. Syria will strike back. और सीरिया के लोग इसके उसको उल्टा बम मारेंगे. So it is likely that Israel also will suffer damage. और इस प्रकार इज़राइलियों में भी हानि नुकसान होगा. Now turn to Isaiah chapter 7. यशायाह किताब 7 अध्याय को देखो. And read verse 8. और आठवें वचन. Isaiah 7:8. यशायाह किताब अध्याय 7 वचन 8. क्योंकि आराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है, रफ्रेम का सिर शोमरोन और शोमरोन का सिर रमल्या का पुत्र है. For the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin, and within 65 years shall Ephraim be broken, that it be not a people. Now, this verse may have a multiplicity of fulfillments. और यहाँ पर जो वचन हम लोग देखते हैं उसके पूर्ण होने के विषय में बहुत सारी बातें लिखा हुआ है. There is a saying in English, history repeats itself. अंग्रेजी में इस प्रकार कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है. Not only is it a saying in English, it's a verse in the Bible also. ना केवल यह अंग्रेजी में कहावत है किंतु धर्मशास्त्र में एक वचन भी है. Read Ecclesiastes chapter 1 and verse 9. सभा उपदेशक पहला अध्याय 9 वचन. जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है. The thing that hath been, it is that which shall be, and that which is done, is that which shall be done, and there is no new thing under the sun. So this verse itself says, from time to time there is a repetition of events. What has happened will happen again. और ये वचन इस बात को बताता है या दर्शाता है कि हमेशा एक दोहराना को हम लोग देखने पाते हैं. जो हुआ है वही दोबारा होगा. So history is historical events are like a spring. As you pass through time, the events seem to repeat themselves many times. और इतिहास की बातें एक स्प्रिंग के समान है. आप जितने समय काल के चक्र में चलते चले जाओगे आप उसको एक ही समान चक्र में घूमते हुए देखोगे. So whatever the literal meaning of this verse 8 might be or might have been, it is likely there can be a repetition of this event again in the near future because of this division or skirmish or between Syria and Israel. यहाँ पर जो 7 अध्याय के 8 वचन में हमने देखा, शायद ये किसी पहले कोई घटना का पुनरावृत्ति नहीं तो पुनर्बार होने वाली घटना का संकेत दे रहा है जो पहले से ही सीरिया और इज़राइल के बीच में घटा. So this verse says, in another 65 years, Israel will suffer damage. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगले 65 वर्ष तक इज़राइल में हानि नुकसान होगा. If we have to make a calculation in our time, अगर हमारे समय को अगर हम हिसाब करके देखते हैं, and we count 65
from the year of independence of Israel. Israel ke swatantrata ke din se lekar ke 65 varsh ko hisab karke dekhne se. India got its independence in 1947. Israel got its independence in 1948. भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिला, उसी समय में इज़राइल को 1948 में स्वाधीनता मिली. So if you count 65 years from 1948, और 1948 से लेकर के अगर आप 65 वर्ष को जोड़ के हिसाब करोगे, what year do you get? तो आप कौन सा वर्ष को पाओगे? 2013. So, if the calculation is right, I don't say it is right, but we have to look forward and see something is going to happen this year. अगर हिसाब सही है, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कहता हूँ वैसे ही होगा, किंतु हम लोग आगे चलके देखेंगे कि क्या होने वाला है. अगर हुआ, तो कुछ भयंकर होने वाला है. So we are living in the last days. तो हम अंतिम दिनों में आ पहुँचे. Terrible things are going to happen in the near future. आने वाले भविष्यकाल में बहुत भयंकर बातें होंगी. Now we are going to have a look on what is going to happen in the last days as what we call the third world war. अंतिम दिनों में क्या होगा इस विषय को सोचने के समय में आओ हम लोग तीसरे विश्व युद्ध की ओर ध्यान दें. The Bible does not go into minute details, but it tells us to a certain extent what two nations or what two groups of nations will be on either side when the third world war breaks up. जब तीसरा विश्व युद्ध होगा उसके बारे में हर एक छोटा बड़ा ज्ञान धर्मशास्त्र नहीं देता, तथापि भविष्यवाणी के रीति में बाइबल ये बता करके देती है कि इस तीसरे विश्व युद्ध में कौन से दो दल के लोग किस किस दल में रहते हुए जो लोग इस युद्ध को छेड़ेंगे. The first world war lasted from 1914 to 1919. 1914 से लेकर के 1919 तक पहला विश्व युद्ध होता रहा. The second world war lasted from 1939 to 1945. और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1949 तक चलता रहा. The third world war will start and there will be some kind of bloodshed in another sense, not like the first and second world war. और जब तीसरा विश्व युद्ध होगा उस समय में भी कुछ खून का बहना लहूलुहान होने की अवस्था तो होगी, लेकिन पहले विश्व युद्ध में जिस प्रकार हुआ वैसा ना होगा. And then it will stop. और तुरंत रुक जाएगा. So what is going to happen, we will see now. तो हम देखेंगे कि तीसरे विश्व युद्ध में क्या हो सकता है या क्या होने वाला है. Today the chief enemy of Israel is Iran. और आज के दिन में देखने से इज़राइल का सबसे मुख्य और प्रमुख शत्रु ईरान. This is Israel. ये इज़राइल है. And this is Iran. और ये ईरान है. So though they are far away from each other, yet they hate each other. वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तथापि एक दूसरे को काफी नफरत करते हैं. Now, just like America and Russia are nuclear, Iran has also either, I don't know the latest, but it's becoming or become nuclear. और जिस प्रकार अमेरिका और रूस देश न्यूक्लियर में प्रसिद्ध हैं या न्यूक्लियर बमों में भरे हुए हैं, उसी प्रकार मैं संपूर्ण नीति से सही हूं या मुझे नहीं मालूम कि तो वर्तमान ईरान में भी इसी प्रकार न्यूक्लियर बम का संगठन वहां पर रखा गया है. In fact, it has 8 major nuclear reactors, Iran. और विशेष करके देखने से 8 जो है न्यूक्लियर मुख्य रिएक्टर ईरान में वो देखने पाते हैं. And Israel has some special custom-made planes so that it can travel far and attack Iran. और इज़राइल के पास इस रीति का एक हवाई जहाज उन्होंने बनाया है कि उन लोग बहुत दूरी में ईरान में जाकर के लड़ सके. They are called F-15, F-16 bombers. और उन लोग को F-15, F-16 बम विस्फोटक विमान कहा जाता है. But it's made with huge fuel tanks. और उन लोगों को बहुत ज्यादा ईंधन भर करके उड़ने की क्षमता में बनाया गया. Simply so that it can attack Iran. और उसको इसी रीति में बनाया गया ताकि दूर ईरान में जाकर के वो अपने काम करके लौटे. See, if a plane has to take off from here, it has to cross Jordan, it has to cross the country of Iraq, it has to go to Iran, such a huge country. So it should go non-stop and bomb and come away also. So to go so far and come back, it needs huge fuel tanks. और अगर इसको अगर इज़राइल से एक हवाई उड़ान उड़ता है तो उसे इराक के रास्ते से होते हुए जॉर्डन पार करते हुए ईरान में पहुंचना है और वहां पर जाकर के बम विस्फोट करना है. देखा जाए तो एक बहुत लंबी दूरी के बाद वो जाकर के वहां पर बम विस्फोट को करना है. I told you Israel has this habit of preemptive striking. मैंने आपको पहले से बताया कि इज़राइल का एक गुण है कि लड़ने के बारे में शत्रु सोचने से पहले ही ये युद्ध में जाके बम डाल देता है. It's very likely that now the planes are ready and if the nuclear reactors are going to be ready and they are going to get their atom bombs and nuclear bombs ready, Israel will attack before Iran can attack. तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है
तो ये बहुत ही स्वाभाविक है या मानने के योग्य है कि जिस प्रकार ईरान में अणुबम का निर्माण हो चुका है, न्यूक्लियर रिएक्टर भी वहां पर प्रस्तुत है, तो इस अवस्था में हो सकता है संभवत ये इज़राइल लोग उन लोग की योजना से पहले ही जाकर के अपने इस तैयार किए गए हवाई विमान के द्वारा उन लोग के ऊपर बम विस्फोट करना शुरू कर दे। Either this or something else is going to irritate part of the world to go against Israel. और इस प्रकार की परिस्थिति के द्वारा ये विषय हो या जगत के कोई भी क्षेत्र में ऐसा कुछ होगा जिसके द्वारा इज़राइल के विरोध में लोग चिड़चिड़ा हो जाएंगे। What those countries are which are going to go against Israel, who is going to lead them, we will see from the Bible. परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देखेंगे कि कौन कौन राष्ट्र जाकर के इज़राइल का शत्रु बनेगा और इज़राइल के विरोध में वे लोग आक्रमण करेंगे। Turn to Ezekiel chapter 38. और जब हम Ezekiel की किताब और 30 अध्याय की ओर आते हैं, there we see a prophecy. वहां पर हम एक भविष्यवाणी को देखते हैं। Read verses 2 and 3. दूसरा और तीसरा वचन को पढ़ के देखिए। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशेक और तुबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ। Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him, and say, Thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal. Now, we must realize that as time passes over the centuries, names of countries, boundaries of countries change. जैसे कि हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं और समझते भी हैं कि जैसे जैसे वर्ष बीतते चले जाता है, साल बीतते चले जाता है, वैसे वैसे जगह का या क्षेत्र का समय जो है, जो सीमा रेखा है, उसमें परिवर्तन होता है और साथ ही साथ नामों में भी बहुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। So we see some names here which are ancient names. यहाँ पर हम कुछ नामों को देखते हैं जो पुरातन दिनों में उन नाम से उन्हें जाना जाता था। So we need to do some research to find out who these people are, where they settled down, and what these nations or these people names represent today. और इसी के लिए हमें इन सारे नामों के साथ कुछ खोजबीन को करना है और देखना है कि ये जो सारे नाम बताया गया है, ये किनका नाम है या किस जाति के विषय में बताया गया है जहां पर ये लोग रहा करते थे और आज इनको किन नाम से जाना जाता है। What was called Hindustan many years ago is called India today. जो बहुत दिनों पहले हिंदुस्तान करके जो कहा जाता था, आज उसे भारत में तो इंडिया करके कहा जाता है। So who are these people or where are they settled down? Magog, Meshech, Tubal and so on. और Magog, Gog, Magog, Meshech और Tubal नामक ये जो स्थान है, आज उन्हें किस नाम से जाना जाता है या फिर वो कहाँ है? If you turn to Genesis chapter 10, जब आप उत्पत्ति की किताब 10वें अध्याय को देखते हो, and read verse 2. और दूसरा वचन। येफेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, याबान, तुबल, मेशेक और तिरास हुए। The sons of Japheth, Gomer and Magog and Madai and Zavan and Tubal and Meshech and Tiras. So you see these three names, Magog, Meshech, Tubal, all coming here in this verse. They were the children of Japheth, the son of Noah. हम लोग जब 10वें अध्याय के दूसरे वचन को ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर मागोग, मेशक और तुबल, ये तीन नाम यहाँ पर भी दर्शाया गया है और ये तीनों नाम जो है येपेत के पुत्र जो नूहा के वंश के हैं। So these were the descendants of Noah. ये सब नूहा के वंश हैं। There are a group of researchers. They are called ethnologists. That means they will study and see how the ancient tribes and ancient people moved in different directions and settled down. और ऐसे अध्ययन करने वाले एक झुंड, एक संगठन है जो लोग इस बात की खोजबीन करते हैं कि पुरातन काल में जो वंश या जो पीढ़ी या गोत्र रहा करते हैं, उन लोग कहां जाकर के पृथ्वी के छोर पर अब निवास कर रहे हैं। So after the flood, the children of Japheth, they moved northwards and settled down in a place which today is called Russia. ये जो येफेत के पुत्र हैं, वे लोग जल प्रलय के बाद अपने स्थान को छोड़ करके निकले और
उत्तरी तरफ की ओर लोग गए जो आज के दिनांक में रूस के नाम से जाना जाता है। All these names in general represent Russia. तो ये तीनों नाम जो हमने पढ़ करके देखा सर्वसाधारण रीति में रूस देश को दिखा रहा है। And there is a person called Gog, and the God says prophesy against Gog. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि गोग के विरुद्ध में भविष्यवाणी करो करके। Gog is the ruler of that land. और ये जो गोग है वो उस देश में राज्य करने वाला एक व्यक्ति है। Gog is a man, a title like Pharaoh was the name of a series of rulers. Caesar was the name of a series of rulers. Titus Caesar, Augustus Caesar, Julius Caesar. Like that, Gog is a title to a ruler. और जिस प्रकार हम लोग फरो को जो मिस्र देश में राज्य करेगा और जो उस राजा के पदवी में दिखाई देगा जिस प्रकार उसे फरो करके कहा जाता है और जैसे रोम में जो राज्य करेगा उनको जिस प्रकार कैसर के नाम से जाना जाता है उसी प्रकार रूस के ऊपर राज्य करने वाले लोगों को गोग करके कहा जाता है। गोग इज द नेम ऑफ द रूलर ऑफ द एरिया ऑफ रशिया। और रूस देश में जो राजत्व करते हैं उनको गोग के नाम से पहचाना जाता है। इन फैक्ट इन वर्स 3 इन हिंदी द वर्ड रश इज देयर नॉट इन इंग्लिश so that represents Russia. और हिंदी के अनुवाद में पढ़ने के समय में यज़ेकेल की किताब 38वीं अध्याय के 30वें वचन में रोश करके वहाँ पर नाम बताया गया है जो कि अन्य अनुवाद में नहीं। so the God says prophesy against Rosh. परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है रोश के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर। prophesy against the ruler of Russia. और रशिया के प्रधान के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर। and God says I am going to bring Russia, put jaws in hooks into their jaws and I'm going to pull them out of their country towards Israel. और परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि मैं उनके मुंह में कांटा को डालूंगा और इज़राइल की तरफ से खींचूंगा। that's what we read in verse 4. और वही हम लोग चार वचन में देखने पाते हैं। I will put hooks into your jaws and I will bring you with all your army with as a great people clothed with all sorts of armor carrying swords and bucklers and shields. और यहाँ पर हम लोग इस प्रकार देखने पाते हैं कि मैं तेरे जबड़े में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी अर्थात घोड़ों और सवारों को और जब सब और सबके सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है उसे फिर ढाल के साथ और चलाने वालों के साथ में उसे खींच लाऊंगा। And with them to support them, Persia and Ethiopia and Libya will be there. और उनको साथ देने के लिए फारस कूश और पूत को भी लाऊंगा। Now, Ethiopia and Libya are not today's Ethiopia and Libya. They are ancient Ethiopia and Libya. They were located elsewhere as part of the Arab countries. और वर्तमान जो कूश और पूत देश का जो नाम लिखा गया है वो अभी जो दिखाई देने वाला कूश या इथियोपिया देश नहीं या पूत या वो लीबिया देश नहीं किंतु पूर्व दिनों में जो दिखाई देता था उसके विषय में ये बताया गया है। But look at the word Persia. किंतु फारस देश को देखो। Till 1935, Persia was called Persia. 1935 वर्ष तक फारस को फारस के नाम से ही जाना जाता था। In 1935, just like Bombay became Mumbai and Madras became Chennai, in 1935 Persia's name was changed. जिस प्रकार बॉम्बे को मुंबई बना दिया गया या फिर मद्रास को चेन्नई वैसे ही 1935 वर्ष के बाद फारस का नाम भी बदल गया। The name of Persia was changed to Iran. और ये फारस का नाम बदल करके वर्तमान ईरान के नाम से वो जाना जाता है। You know the history of so this verse says as a prophecy, Iran is going to be with Russia. और ये भविष्यवाणी का वचन है जहाँ पर लिखा है कि ईरान देश रूस के साथ समझौता करेगा। For the past 1400 years of history, Russia and Iran have never joined each other. बीते हुए 1400 वर्ष के इतिहास को अगर देखो तो आप पाओगे कि रूस देश और ईरान में कभी भी कोई समझौता नहीं हुआ। But in the past 10 years, suddenly Russia and Iran have become close friends. लेकिन बीते हुए 10 वर्ष का आंकड़ा देखने से आप देखने से पाओगे कि रूस और ईरान के बीच में एक समझौता हो रहा है। Beloved brother, sister, that's why I'm saying Jesus is coming soon. इसी के लिए प्रिय भाई बहन हम कहते हैं कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। What hasn't been happening over the centuries is suddenly happening now. शताब्दी पहले जो सारी बातें नहीं हुई अचानक अकस्मात अभी हो रहा है। Iran is buying nuclear
fuel and scientists are moving from Russia to Iran and helping them in developing these nuclear weapons. और nuclear जो अस्त्र शस्त्र है उसकी प्रगति के लिए वहां से ईंधन को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के साधनों को और वैज्ञानिकों को भी रूस देश से रशिया ईरान में भेजा जा रहा है. So when these Israeli planes go and bomb these Iranian nuclear sites. और जब ये इज़राइल की लड़ाकू विमान उड़ते हुए और जब इस ईरान में दिखाई देने वाले उनके स्थान में जब वो बम विस्फोट करेगा or something else happens that provokes this war. और या फिर ऐसा कुछ होगा जिसमें युद्ध छिड़ा जाए. What will happen is Russia is going to start and move in the lead, bringing with it many other countries like Iran in support to go and fight against Israel. उस समय में ऐसा होगा कि रूस अपने साथ और भी कई राष्ट्रों को मिला करके इज़राइल के विरुद्ध में चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ेगा. So Russia and Iran and certain other Arabic countries are going to join with Russia in the war. Russia is going to be in the lead. और हम लोग इस प्रकार तीसरे विश्व में देखने पाएंगे कि रूस और ईरान और उसके साथ और बहुत सारे अरबी देश एकजुट होकर के इज़राइल के विरुद्ध में चढ़ाई करेंगे जिसमें रूस इनका प्रधान होगा. And the Bible says that it's a great group of people that covers the land, so it's a huge army that's going to march towards Israel. और यह परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि एक बहुत बड़ी सेना एक बहुत बड़ा दल बनकर के वे लोग इज़राइल के ऊपर चढ़ाई करेंगे. In Ezekiel chapter 38, 38वें अध्याय एज़ेकियल की किताब के Where is that verse which says they will cover the land? Verse 9. तो चढ़ाई करेगा और आंधी की नाई आएगा और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा. Thou shalt ascend and come like a storm. Thou shalt be like a cloud to cover the land. Thou and all thy bands and many people with thee. So this is what God is speaking to Gog. From verse 2, God is speaking to Gog and the ruler of Russia and saying, You will come against Israel, you and all your armies and many people with thee, which means the other allies, the armies that of other countries that will join Russia. और यहाँ पर हम लोग 38वें अध्याय के दूसरे वचन में परमेश्वर यहाँ पर गोग से बातें कर रहा है और वो रूस के विषय में इस प्रकार कह रहा है कि तुम लोग सब एक बहुत बड़ी सेना बनाओगे और तुम लोग और भी बहुत सारे सेना को अर्थात दूसरे राष्ट्र के सेना को भी अपने साथ शामिल करके एक बहुत बड़े दल बनकर के इज़राइल के ऊपर चढ़ाई करोगे. So when this huge army like a cloud covering the land marches towards that small puny Israel is helpless. जब एक बहुत बड़ी सेना लिखा है जैसे कि मानो मेघ के समान उस देश के ऊपर छा जाएगी तो देखो ये छोटा सा क्षेत्र वर्ग में पाए जाने वाला इज़राइल तो एक बहुत ही साधारण सा है और वो बहुत ही छोटा है और वो असहनीय अवस्था में दिखाई देगा. Like the spirit of God spoke through prophecy today, a time is going to come when you will have to stand alone for God. Those so-called supporters of Israel in the previous world wars will also withdraw their support in the third world war. और जिस प्रकार आज भविष्यवाणी में आपने सुना कि परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर के लोगों से कहा कि ऐसा समय आने वाला है जहां पर कोई तुम्हारे साथ ना होगा और तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा, उसी प्रकार तीसरे विश्व युद्ध के समय में इज़राइल के ऊपर जब लोग चढ़ाई करेंगे तो इससे पहले तो दूसरे विश्व युद्ध में जो जो लोग इज़राइल के सहायता में थे वे लोग अपने हाथ को पीछे खींच लेंगे. That's also mentioned in the Bible. और ये भी धर्मशास्त्र में लिखा है. So those who are going supposed to oppose or oppose Russia and support Israel, जो सारे राष्ट्र रूस का विरोध करते हुए इज़राइल को मदद करना चाहिए, When Russia and Iran and the other Arab countries are going to march towards Israel, रूस ईरान और दूसरे अरबी राष्ट्र के लोग जब इज़राइल के ऊपर चढ़ाई करेंगे, America and Britain who are former supporters of Israel will not come to fight like before. और अमेरिका और ये जो ब्रिटिश के जो लोग हैं जो पहले जो इस इज़राइलियों को सहायता करते थे पहले की नाई इनको मदद करने नहीं आई. So when this Russian army and the other allies are marching towards Israel, their enemies who used to support Israel will only ask a question and stop. That's all. और जब रूस ईरान और अन्य अरबी देश मिलकर के जब इज़राइल के ऊपर चढ़ाई करेंगे उस समय में
इसराइल को मदद करने वाले लोग उनको मदद करने को तो नहीं आएंगे, अभी तो केवल इतना करेंगे, सवाल पूछेंगे और चुपचाप रह जाएंगे। They will only offer verbal support and ask questions, how can you do this? But they will not come to fight. उन लोग आकर के इसराइल की तरफ से लड़ने को तो नहीं उतरेंगे मैदान में, किंतु सवालों को पूछेंगे, तू ऐसा कैसे कर सकता है? Read verse 13, Ezekiel 38:13. Ezekiel की किताब 38वें अध्याय 13 वचन की ओर ध्यान दें। सबा और ददान के लोग और तर्शिश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, डोर और संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठा की है? शेबा एंड डीडन एंड द मर्चेंट्स ऑफ तर्शिश विद ऑल द यंग लायंस थेरऑफ शैल से अनटू थी, आर्ट थाउ कम टू टेक अ स्पॉइल? As thou gather their company to take a prey, to carry away silver and gold, to take away cattle and goods, to take a great spoil. Sheba and Dedan are cities in Saudi Arabia. Sheba, Dedan, Saudi Arabia में दिखाई देने वाला नगरों को दिखा रहा है। Now, that's the location where it was. ये अभी नहीं, किंतु पहले इसी क्षेत्र में ये पाया जाता था। So it looks like Saudi Arabia will not support in this war. तो ये ऐसा दिखाई पड़ता है मानो कि ये जो सऊदी अरेबिया जो स्थान है वे लोग उनके साथ ना होंगे। And then we read of the merchants of Tarshish. उसके बाद हम लोग तर्शिश के व्यापारियों को देखते हैं। Now very little is known about Tarshish. तर्शिश के बारे में बहुत ही अल्प हम जानते हैं। But Bible scholars and general researchers say this. बाइबल के पंडित लोग और सर्वसाधारण जो खोज करने वाले लोग हैं इस प्रकार कहते हैं, Tarshish they say is likely to be Britain. और ये जो तर्शिश जो है वो ब्रिटेन को दिखाता है। The word Tarshish was a source of tin. और तर्शिश में जो है टिन मिला पाया जाता है। And the name Britain means the source of tin. और ब्रिटेन का अर्थ या नाम का अर्थ भी है वो एक ऐसा खदान जहाँ पर टिन मिलता है। Britannia means a source of tin. और ब्रिटानिया कहने का अर्थ है जो टिन मिलने वाला एक विशेष खदान या स्थान। So this Tarshish could refer to Britain. और ये तर्शिश जो है वो ब्रिटेन के साथ तुलना किया गया। So it is written Tarshish with all the young lions thereof. यहाँ पर लिखा हुआ है कि तर्शिश और अपने सारे जवान सिंहों के साथ। So countries like America, Canada, Australia, English speaking countries that came out of Britain or as people moved out of Britain and settled down in these areas, they are the young lions of Tarshish, English speaking countries. तो जितने भी अंग्रेजी भाषा बोलने वाले देश हैं, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इस प्रकार कनाडा का जो देश के लोग हैं, यहाँ के लोग ब्रिटेन से निकल करके इस प्रकार के स्थान में जाकर के वे लोग बाशिंदा बने, इन सारे लोगों को जवान सिंह करके कहा गया है। Incidentally, the symbol of Britain is lion and these countries are called young lions as though Britain's children. घटनाक्रम में देखने से हम लोग ब्रिटिश देश का जो चिन्ह है वो भी एक सिंह का मुंह करके हम लोग देखते हैं और ये सारे जो दूसरे राष्ट्र के जवान सिंह के बच्चे हैं। So these nations which are going to fight, which are supporting Israel will not come to fight like before, will only ask questions to these Russians and their allies, what are you doing, how can you do this? तो ये सारे जो देश हैं जो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं उन लोग पहले के समान आकर के इज़राइलों को युद्ध में या लड़ाई में मदद तो ना करेंगे, किंतु आकर के वे लोग इस रूस और रूस के साथ की सारी सेनाओं से सवाल पूछेंगे कि तू यहाँ पर क्यों आया है? So when Israel's friends cannot support because it's too much, they are a huge army to cover the land, America will know there's no point going and fighting and for another land. जब अमेरिका के लोगों ने देखा कि रूस और रूस के साथ की सारी सेना एक बहुत बड़ी तादाद पर है तो वो इस बात को भली भांति जानते कि उनके विरुद्ध में लड़ने से कोई फायदा नहीं। Now Israel is caught alone. अब देखो इज़राइल अपने आप में अकेला हो गया। So as Russia and the other armies move inside. और जैसे जैसे रूस और बाकी सारी सेना भीतर की ओर बढ़ रही है, you know what's going to happen? तो मालूम है क्या होगा? The Bible prophesies, though the whole earth and though its neighbors gather against Israel, Israel, though they will be cut in pieces, Israel will be preserved. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, सारे पृथ्वी के लोग हो या उसके सारे पड़ोसी शत्रु देश इज़राइल के विरुद्ध नगर में चढ़ाई करके आएंगे तो उन सारे शत्रु देशों को, पृथ्वी के सारे निवासियों को मैं टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, लेकिन इज़राइल की मैं सुरक्षा करूंगा। How is that small country going to escape the cloud of an army? एक छोटा सा देश
जो एक बादल के समान पूरी सेना उसके ऊपर चढ़ाई करी, कैसे रक्षा पा सकती है? The Bible says, the owner of Jerusalem is going to come and intervene. परमेश्वर का वचन धर्म शास्त्र ऐसा कहता है, यरूशलेम का जो असली मालिक है वो आकर के इनके बीच में इनके साथ रहेगा. God. और वो है God, ईश्वर. God is going to enter into the battle. परमेश्वर ही आप स्वयं युद्ध में प्रवेश करेगा. So when these armies get close to Israel and move into Israel to take hold of Israel. और जब ये सारी सेना इज़राइल को पकड़ने के लिए धर दबोचने के लिए आगे बढ़ेगी. Three supernatural events will take place. उस समय में तीन अलौकिक कार्य वहां पर दिखाई होगा. One, an earthquake will happen. वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप. Read Ezekiel chapter 38 and verse 19. 38वां अध्याय का 19वां वचन, यज़ेकेल का खिताब. और मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस देश इस्राएल के देश में बड़ा बुरी डोल होगा. For in my jealousy and in the fire of my wrath have I spoken. Surely in that day there shall be a great shaking in the land of Israel. So there's going to be a great shaking in the land of a great earthquake will take place. उन दिनों में एक बहुत बड़ा भूकंप वहां पर होगा. And it's going to kill many of the enemies. और बहुत सारे शत्रु को ये भूइडोल नाश कर देगी. And the next verse says, all the men that are upon the face of the earth on seeing this earthquake will shake at my presence. 20वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि भूमि पर जितने भी मनुष्य रहते हैं सब कांप उठेंगे जब भूकंप देखेंगे. माउंटेन शैल बी थ्रोन डाउन एंड स्टीप प्लेसेस शैल फॉल एंड वॉल्स शैल फॉल टू द ग्राउंड. पहाड़ गिराए जाएंगे, चढ़ाइयां नाश होगी और सब भीते गिर के मिट्टी में मिल जाएंगे. हाउ इज एवरी मैन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ गोइंग टू ट्रेम्बल व्हेन दे सी एन अर्थक्वेक इन इज़राइल? इट्स बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वीडियोग्राफ्ड. सारे पृथ्वी के लोग इज़राइल में होने वाले भूकंप को कैसे देख पाएंगे और कैसे उन लोग देख करके कांप उठेंगे जब तक एक वीडियो की रीति में उन लोग ना देखें. So here is an indirect prophecy again fulfilled when there was no video in those days. Ezekiel prophesies that people in the rest of the world are going to tremble when they see over television those mountains falling, walls falling and steep places collapsing. और यहाँ पर एक दूसरी रीति में भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं. ये भविष्यवाणी उस समय में लिखा गया जब कोई टेलीविजन नहीं था, कोई वीडियो नहीं लिया जाता था. उस समय में की बातों में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वहां पर भूकंप होगा और पहाड़ी गिर जाएंगी उस समय सारे विश्व के लोग उसको देख करके डरेंगे. The second thing that supernatural thing that takes place. वहां पर एक दूसरा अलौकिक काम वहां पर होगा. Every man's sword shall be against his brothers. These people who came as one group to fight against Israel will now start fighting against each other. जितने भी सेना इज़राइल के विरुद्ध में चढ़ाई करके आएंगे, जब उन लोग चढ़ाई करके आएंगे तो उनके बीच में ऐसी गड़बड़ी उत्पन्न होगी कि उन लोग आपस में ही लड़ मिटेंगे. Verse 21. 21वां वचन. परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी. And I will call for a sword against him throughout all my mountains, say the Lord God. Every man's sword shall be against his brother. So here we see that there's going to be an internal conflict amongst those who started unitedly. और जो लोग एक साथ मिलकर के जो युद्ध को छेड़ा था, अभी उनके अंदर ही एक भेदभाव या एक अंदर ही कुछ गड़बड़ी शुरू हो जाएगा. This is the second way how God is going to protect Israel. और इस रीति से दूसरा ये तरीका है जो परमेश्वर इज़राइल की सुरक्षा करता है. The third supernatural event that's going to take place. और तीसरा जो एक अलौकिक कार्य वहां पर होगा. Verse 22 says, God is going to rain fire and brimstone upon the enemies. और 22वें वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर वहां पर ओले को और आग को उनके ऊपर बरसाएगा. Read verse 22. 22वें वचन को पढ़ेंगे. और मैं मेरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन सब सी जातियों पर जो उसके पास होगी मैं बड़ी जड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा. And I will plead against him with pestilence and with blood and I will rain upon him and upon his bands and upon the many people that are with him an overflowing rain and great hailstones
fire and brimstone. So this is the third supernatural event that's going to take place as God himself intervenes to protect Israel. Israel ko raksha karne ke liye parmeshwar aap unke liye ya unki taraf se ladne ke karan ek alaukik kaar wahan par hote hue hum log dekhne payenge. This is the beginning of the third world war. Aur yahi teesra vishv yuddh ka aarambh hai. There is actually no two parties. Yahan par do dal nahi. One group against one nation. Sara sare dal ke log ek choti si jati ek chote se rashtra ke viruddh hai. The allies of Israel can only fold their hands and express verbal opposition, will do nothing about it. Lekin Israel ke madad karne wale log haath ko jod karke keval apne muh se kuch baaton ko bolenge lekin aakar ke unki madad nahi karenge. But in Zechariah chapter 12 the Bible says if anyone touches Israel he will be cut in pieces. That's how God descends and shows his anger on the enemies. Lekin Zechariah kitna bar kehta hai parmeshwar is prakar bhavishyavani karta hai ki agar kisi ne Israel ko chua to main usko tukda tukda kar dunga. इस प्रकार इज़राइल के शत्रु को चेतावनी देता है. More than once the president of Iran, the current president of Iran has said Israel must be wiped out of the map. एक बार से भी अधिक बार इस ईरान के वर्तमान के राष्ट्रपति ने इस प्रकार घोषणा की और कहा है कि मानचित्र में से इज़राइल का नाम और निशान मिट जाना चाहिए. Now when these enemies come and say here is the chance, let's swallow Israel. और जब शत्रु लोग कहते हैं कि यही मौका है आओ हम इस इज़राइल को निगल जाएं. Turn to Psalm 83. भजन संगीता 83. There we see countries rising up against Israel. इज़राइल के विरुद्ध उठने वाले राष्ट्र को देखने पाते हैं. And you will see a group of names written there in verse 6, 7 and 8, how different nations are coming against Israel. 6, 7 और 8 वचन में हम उन सारे नामों को देखने पाते हैं जो इज़राइल के विरुद्ध में चढ़ाई करती है. And see what they are saying. They are saying just what the president of Iran said. और देखो उन लोग क्या कह रहे हैं और ये वही चीज है जो आज ईरान का राष्ट्रपति कहता है. 83:4. 83 का 4 वचन को पढ़े. उन्होंने कहा आओ हम उनको ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण ना रहे. They have said, come and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be no more in remembrance. So when they do make this attempt of wiping Israel out of the map, the opposite happens. Israel survives. God intervenes and the enemies suffer great damage. और जब इन्होंने इस प्रकार की योजना की कि मानचित्र से इज़राइल का नाम ही को हम लोग मिटा डाले उस समय में उन लोग जो चाहते हैं वैसा ना होगा परंतु उल्टा होगा क्योंकि परमेश्वर उनके तरफ से लड़ेगा और उनका मुकाबला करेगा. What is the damage that the enemies are going to face? जो नुकसान शत्रु लोग पाने जा रहे हैं वो नुकसान क्या है? Read Ezekiel chapter 39, the prophecy continues. और यजकेल की किताब 39 के अध्याय में होने वाली भविष्यवाणी का लगातार भाग को देखिए. Son of man, prophesy to Gog, or the ruler of Russia. और मनुष्य के संतान गोग के विरुद्ध में भविष्यवाणी करके ये कहें. And then read verse 2. और उसके बाद दूसरा वचन पढ़िए. मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा की दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा. And I will turn thee back and leave but the sixth part of thee, and will cause thee to come up from the north part, and will bring thee upon the mountains of Israel. So these troops of Russia will come from the north part. You can see that Russia is on the north of Israel, and they will come down and they will climb the mountains of Israel to cross over and enter into Israel. That's when the mountains start falling, the earthquakes, the fire and brimstone falls, and many of them will be destroyed till only 1/6 of the army is left. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इज़राइल के उत्तरी भाग में रूस रहता है और वो इज़राइल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए वो नीचे से घूम करके उसके ऊपर चढ़ाई करेगा. और जब वो नीचे से घूम करके चढ़ाई करेगा ये वो समय है जब पहाड़ियां हिलाई जाएगी. और जब ये पहाड़ी हिलाई जाएगी तो सारी सेना इस पहाड़ के नीचे दब करके नाश होगा, केवल एक छठा भाग बच निकलेगा. God is going to disarm and remove the armory of those enemies. In the third verse says, I will smite your bow out of your left hand and will take away your arrows out of your right hand. और परमेश्वर उस समय में उसको अस्त्र विहीन कर देगा. 20 वचन में लिखा हुआ है कि वहां मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा. Brother, the Bible is not an ordinary book. It makes some daring prophecies. परमेश्वर में प्रिय भाइयों
धर्म शास्त्र एक साधारण किताब नहीं है, वो भविष्यवाणी करने में बहुत ही उपयोगी नहीं तो बहुत ही साहसी है। Here are things that you are listening to written in the word of God that are yet to happen। यहाँ पर जो भी कोई बातें आप सुन रहे हो ये सारी बातें होना बाकी है। You heard of things that were prophesied and happened and that were prophesied and is going to happen। और आप ये सारी बातों को जो सुनते और देखते हो इसमें बहुत सारी भविष्यवाणी जो हो चुका है और बहुत सारी भविष्यवाणी है जो होने वाली है। That's why we are living in a time where we have to tremble before the word of God and listen to what it has to say। इसी कारण से हम इसी प्रकार एक समय में आ पहुंचे हैं जब परमेश्वर के सामने हम थरथराना है और मानना है जो भी कुछ वचन कहता है। At this time that the Antichrist comes into the picture। और यही समय है जब मसीह विरोधी की छवि का उदय होगा। He will say stop fighting। वो कहेगा शांत हो जाओ। He will make a covenant with Israel। इज़राइल के साथ वो एक चुक्ति करेगा। And he will create a peace between the Arabic countries who are fighting against Israel and Israel। इज़राइल के विरोध में दिखाई देने वाले अरबी देशों के और इज़राइल के मध्य में एक शांति का वो एक वाचा बांधेगा। He will rise up as the leader of the European Union which we saw yesterday। हमने बीते दिन जो यूरोपियन यूनियन के बारे में सुना और पढ़ा था उसका वो नेता के रूप में उभरेगा। I told you that the 10 horns on the head of the beast represented the Antichrist represents the European Union। और मैंने आपको बता करके दिया कि उस पशु जिसका 10 सींग था वो यूरोपियन कंट्री को दिखाता है। Today there are about 28 countries forming the European Union। और आज हम लोग यूरोपियन यूनियन में 28 राष्ट्र को देखते हैं। Of them there will be either 10 prominent countries that are more powerful than the rest or there will be 10 leaders who become the leaders of the European Union। तो ऐसा हो सकता है कि 28 राष्ट्रों के मध्य में 10 जो राष्ट्र होंगे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली या प्रभावशाली होगा या फिर उनके मध्य में से 10 बड़े नेता उभरेंगे जो इनके साथ दिखाई देंगे। When the Antichrist rises up as the in the beginning as the leader of the European Union। और जब मसीह विरोधी यूरोपियन यूनियन का नेता होकर के जब उभरेगा He will kill 3 of those 10 kings and come into power। और वो उस 10 बड़े-बड़े नेताओं में से 3 को मार के वो उस प्रभावशाली स्थान में या शक्तिशाली स्थान में आ जाएगा। Turn to Daniel chapter 7। दानियल की किताब 7वां अध्याय। And read verse 8। You see the 10 horns there described and what is happening there। 7वां अध्याय के 8 वचन में वहां पर 10 सिंहों के विषय में लिखा है और देखियो कि वहां पर क्या होता है। In verse 7 you read of the 10 horns on the beast। और आप उस 7वें वचन में उस पशु के ऊपर सात सिंह को देखने पाते। Now read verse 8। अब 8 वचन। मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। I considered the horns and behold they came up among them another little horn before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots and behold in this horn were eyes like the eyes of a man and a mouth speaking great things। So here we see a little horn coming up on the head of the beast। हम यहाँ पर देखते हैं कि छोटा सा सिंह उस पशु के सिर में से निकल रहा है। And before he comes, 3 of the first 10 horns are plucked up by the roots। और हम वहाँ पर देखते हैं कि जब ये छोटा सिंह निकल रहा है तो पहले उस पशु में जो 10 सिंह दिखाई दे रहा है उसमें से 3 सिंहों को जड़ समेत उखाड़ दिया। This horn is a human being, he speaks great things। और ये जो सिंह है ये एक मनुष्य को दिखा रहा है जो बड़ी बड़ी बातें बोलता है। In verse 20 also you read about him। 20 वचन में भी हम इसी बात को देखने पाएंगे। He has a mouth that speaks very great things। और वो एक ऐसा बड़ा बोल बोलने वाला मुंह होगा। And that horn in the next verse fights against the saints of God and prevails over them। और 21 वचन में लिखा हुआ है कि ये सिंह पवित्र लोगों के विरुद्ध में लड़ाई करेगा और प्रबल भी हो जाएगा। These saints are those saints who are going to be left behind when Jesus comes. The Antichrist will prevail over them and kill them. They will have to die as martyrs or take the mark of the beast. और ये जो पवित्र लोग बोलने से वो लोग हैं जो यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए नहीं गए, वे लोग इस पृथ्वी में छोड़ दिए गए हैं। वे लोग इस मसीह विरोधी के राज्य में शहीदों की मौत मरेंगे और अगर वे लोग शहीदों की मौत मरना नहीं चाहते तो मसीह विरोधी का छाप अपने शरीर में लेना पड़ेगा। He will come as the leader of the European Union and
he will create peace in this land. और वो यूरोपियन यूनियन का नेता के रूप में उभरेगा और देश में शांति बोलेगा. And because of the solution that he brings in, the world war will stop. और वो जो समाधान को लेकर के आता है, उस समाधान के कारण तीसरा विश्व युद्ध रुक जाएगी. When thousands and thousands of people should have died as bombs were hurled on many countries, this Antichrist comes and stops the war. Therefore, the whole world unanimously elects him as the world leader. और जब सारे विश्व में, सारे दुनिया में इधर उधर बम विस्फोट हो रहा है, लाखों सैकड़ों के संख्या में लोग मर रहे हैं, उस समय में जब ये व्यक्ति उभरेगा और शांति कहेगा, उस समय में सारे राष्ट्र के लोग मिलकर के उसे एक नेता बनाएंगे और वो एक नेता सबके ऊपर राज करेगा. But before this happens, before the Antichrist comes into power, Jesus will come. लेकिन इससे पहले कि ये मसीह विरोधी शक्ति में प्रकट हो, यीशु का आगमन हो जाएगा. So this third world war will take place either just before Jesus comes or just after Jesus comes. यीशु मसीह के आगमन से कुछ समय पहले या यीशु मसीह के आगमन के तुरंत बाद ही शायद ये तीसरा विश्व युद्ध होगा. In the first verse that we read, when you see armies surrounding Jerusalem, remember the end is near, the desolation is near. जैसे कि हमने मूल वचन में पढ़ा कि यरूशलेम को जब तुम लोग घिरा हुआ देखो, तो याद रखो कि उजाड़ का दिन नजदीक है. If there is any Christian brother or sister here scoffing and saying Jesus is going to come many years later, I tell you it's not going to happen. It's going to happen in our time. अगर यहाँ पर कोई मसीह भाई या बहन बैठा है जो यीशु मसीह की आगमन के विषय को ठट्टा मेराते हुए कहता है कि हो अभी बहुत दिन बाकी है, तो मैं आपको कह दूं, यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र इन दिनों में होने जा रहा है. There is no more time. These are the last days. और हमारे पास समय नहीं, यही आखिरी दिन है. Oh Church of God, wake up. These are the last days. एक परमेश्वर की कलीसिया जाग उठो, यही आखिरी दिन. There is no time for us to focus on this world. There is just enough time for us to get ready and fly away. इस संसार की ओर देखने का और समय नहीं, किंतु अब समय उड़ करके परमेश्वर से जा मिले. You know, when the Antichrist comes into power, जब मसीह विरोधी शक्ति में आएगा, there is a war in heaven. स्वर्ग में भी एक लड़ाई होगी. Michael and his angels and the dragon and the angels will have to fight with each other in heavenly places, just like there is a world war on earth. There's going to be a world war in heaven. You and I will never see it, but it's happening. It will happen there. जब इस पृथ्वी में विश्व युद्ध हो रहा होगा, या जैसे जिस प्रकार इस पृथ्वी में युद्ध होती है, उसी प्रकार आप और मैं अपनी नंगी आंखों से देखने नहीं पाते हैं कि तो आकाश में मिखाएल अपने प्रधान दूत अपने दूतों के साथ मिलकर के पुरातन अजगर के साथ आकाश में एक आत्मिक लड़ाई को वो लड़ता है. There's a war taking place on earth. There's a war taking place in heaven. एक लड़ाई पृथ्वी पे, एक लड़ाई आकाश में. In that heavenly war, Satan and his armies will be defeated and cast down to the earth. उस आकाशी लड़ाई में शैतान और उसके सारे दूत पराजित होकर के इस पृथ्वी पर गिराए जाएंगे. Then the Bible, at that time when Satan is cast down to the earth, the Bible says something. और उस समय जब इस शैतान को पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा, धर्मशास्त्र उस समय कुछ कहता है. Rejoice, O ye heavens, because the devil is no more there, he is cast down. हे स्वर्ग आनंदित और मग्न हो, क्योंकि शैतान और वहां पर नहीं रहा, वो तो गिरा दिया गया. But woe unto you, O earth, because Satan has come down to you. किंतु हे पृथ्वी तुझ पर हाय, क्योंकि शैतान यहां गिर पड़ा है. Revelation chapter 12, verse 12. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, वचन 12. इस कारण स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है. देखो, रिजॉइस ई हेवंस एंड ई दैट ड्वेल इन देम, वोच टू द इनहैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ एंड ऑफ द सी, फॉर द डेविल हैज कम डाउन अनटू यू हैविंग ग्रेट रॉथ, बिकॉज़ ही नोथ दैट he had but a short time. Brother, sister, and when Jesus comes before this and you don't go, woe unto you also. परमेश्वर ने प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह का अगर आगमन हो जाएगा और अगर आप नहीं जा पाओगे, तो आपके लिए भी हाय. So from this verse, what do you understand? इस वचन से आप क्या समझे? Today the devil is in the heavenly places. आज शैतान स्वर्ग स्थान में या आकाश में है. But he's going to come down to the earth. किंतु वो इस पृथ्वी में गिराया जाएगा. But just think about this. किंतु सोच के देखो. Don't we see devil possessed people? क्या आज आप पृथ्वी में भूत ग्रस्त लोगों को नहीं देखते? Witchcraft, जादू टोना.
You see so much of that around the world. आज भी आप पृथ्वी पे ऐसे बहुत सारी घटनाओं को देखते हो. Then Satan is not in this world, is it? तो क्या शैतान इस जगत में नहीं है? He is in the heavenly places and he is doing witchcraft and demon possession takes place. वो स्वर्ग स्थान में या आकाश में रहते हुए इस पृथ्वी के लोगों के अंदर भूतग्रस्त का काम या जादू टोना मंत्र का काम अगर करता है. He is in the heavenly places and he is deceiving the whole world. वो आकाश में रहते हुए पूरे जगत को अगर वो भरमाता है या धोखा देता है. Now he comes down to the earth. तो अब देखो वो पृथ्वी पर उतर आया. What does that mean? तो उसका अर्थ क्या है? Isn't he already here? क्या वो पहले से यहाँ नहीं है? Is he not deceiving people? क्या वो लोगों को धोखा नहीं दे रहा? What does this mean? तो अर्थ क्या है? Satan is going to be present in the tribulation period in a way that he was never present before that. इसका अर्थ ये है कि मसीह विरोधी के समय में या उपद्रव काल समय में शैतान पृथ्वी में ऐसे उपस्थित होगा जैसे आज तक पृथ्वी में कभी नहीं हुआ. I wouldn't be surprised if you can see demons during the tribulation period. अगर आप उपद्रव के समय में शैतान को देखो तो उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा. And that's why Jesus warns us repeatedly, when you see these things happening, lift up your heads, I'm coming very soon, your redemption is near. इसी के प्रभु यीशु मसीह बार-बार कहता है कि इन सारी बातों को जब होते हुए देखो तो अपने सिरों को उठाओ. During the past 4 days, we heard so much on what's happening in this world, only to let you know that it's not far away. Jesus coming is very, very near. पिछले चार दिनों से हम बहुत सारी बातों को देखने हैं, बहुत सारी घटनाओं को हम लोग सुना रहे हैं, केवल एक ही बात बताने के लिए कि और ज्यादा समय नहीं, यीशु मसीह शीघ्र उपस्थित होगा. I've heard so many Christians say this. मैं बहुत सारे मसीहों को कहते हुए सुना. Oh, they've been saying Jesus is coming so many years. मैंने बहुत सालों से कहते आ रहे हैं कि हाँ यीशु आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है. He's still not come. और अभी तक वो नहीं आया. So he won't come. तो वो नहीं आएगा. So I ask them. तो मैं उससे पूछता हूँ. All right, you say he won't come soon. So when will he come? When do you think? तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम कहते हो कि वो जल्दी नहीं आएगा, तो आप क्या सोचते हो कब आएगा? Most of those who offer this argument are youngsters. और जितने भी लोग इस प्रकार के तर्क करते हैं वो सब जवान लोग हैं. So I ask them, okay, Jesus won't come now, you're saying. When will he come? When do you think he'll come? तो मैं जवानों से इस प्रकार पूछता हूँ कि ठीक है, तुम लोग कह रहे हो कि यीशु मसीह अभी नहीं आने वाला, तो तुम बताओ कि यीशु मसीह कब आएगा? The common answer is maybe about 30-40 years later. और उन लोग के अंदर सर्वसाधारण उत्तर यही होता है कि शायद 30-40 साल के बाद. You know why they say that? पता है क्यों लोग बोलते हैं? By then they'll be old people and they would have finished enjoying the world. Now Jesus, you can come, I'm ready. क्योंकि उन लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि तब तक उन लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, अभी जगत का मजा ले लो, तब उस पे सोचेंगे कि जाना कि नहीं जाना. That's why the Bible says in the last days scoffers will come. How? Walking according to their lusts, saying, where is the sign of his coming? Since the beginning of creation, it's been just like this. और इसी कारण से धर्मशास्त्र इस प्रकार कहती है कि अंतिम दिनों में ठट्टा करने वाले लोग उठेंगे और कहेंगे कि कहाँ है परमेश्वर का आगमन? जगत की उत्पत्ति से ही तो ऐसा ही चलते आ रहा है. So it is to convince you that you should not be a scoffer or listen to a scoffer. Jesus is coming very, very, very soon. It's just a matter of years. Most of you are going to be alive when Jesus comes. And it's just to warn you that it's in our time and to help you to get ready that we have conducted these meetings. और ये इसलिए हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि और ज्यादा समय इस पृथ्वी में नहीं रहा, बहुत ही शीघ्र हमारा प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, साल या दो साल या कोई अल्प समय के अंदर. और हम लोग इस प्रकार की सभा को इसके लिए आयोजित किए हैं ताकि आपको हम लोग सावधान कर दे कि समय सन्निकट हो गया है. All right, Jesus is coming soon and I want to go when Jesus comes. How do I get ready? हाँ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और मुझे उसके आगमन में जाना है, कि तो अब बताओ कि हम कैसे अपने आप को तैयार करें. I will tell you just two things. मैं आपको दो बात कहूंगा. If I have to really tell you how to get ready, another 5 days of studies will not suffice. अगर मैं आपको सच में बताऊं कि और कैसे हमको क्या करना है कि आगमन में जाना है, तो और अगला 5 दिन भी अगर आप मुझे दोगे तो भी मैं उसको पूरा कह के खत्म करने नहीं पाऊंगा. So I will just give you two things. इसके लिए केवल दो छोटी बात कहूंगा. What I'm going to tell you now is not at all enough. और जो भी कुछ मैं कहूंगा वो काफी नहीं. But if you want to know the entire thing, to know how to go when Jesus comes. अगर आप संपूर्ण विषय को जानना चाहते हो और जानना चाहते हो कि यीशु मसीह की आत्मा में मैं कैसे जा सकता हूँ. We request you all to continue to have fellowship with us. इसके लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि निरंतर हमारे साथ संगति बनाए रखें. We have our addresses at the back of the hymn sheets given to you. आपको जो किताब दिया है उसके पीछे हमारा अता पता है. So we welcome you to our churches. We have our meetings. The schedule of meetings is
Wednesday evening we have Bible studies like this. Saturday we will wait for the anointing of the Holy Spirit. Sunday morning we have devotional service at 9 o'clock. और हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आओ. हर एक बुधवार को हमारे गिरजाघर में इस प्रकार के शास्त्र अध्ययन होता है. शनिवार के दिन में पवित्रता का पानी के लिए हम लोग बात करते हैं और रविवार के दिन सुबह हम लोग पवित्र उपासना करते हैं. आप लोग इसमें शामिल होकर के आशीष पा सकते हैं. Now for those two things that I want to tell you. तो दो बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ. One, एक, make Jesus your personal friend and savior. यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत दोस्त और उद्धारकर्ता बनाओ. Jesus is not a picture on a wall. यीशु मसीह दीवार पर टंगा हुआ एक छवि मात्र नहीं. Jesus is not confined to a statue made of stone. एक यीशु मसीह बोलने से पत्थर का बना हुआ एक मूरत मात्र नहीं. Jesus is not just someone above the clouds. और यीशु मसीह वो नहीं जो कोई आकाश के ऊपर रहता हो. Jesus is not an imagination in the mind. यीशु मसीह बोले थे हमारी मन की कोई कल्पना नहीं. Jesus is a very, very, very real person. यीशु मसीह एक सच्चा, एक वास्तविक व्यक्ति है. But to know him, you have to know him in the spirit. अगर आपको उसे जानना है तो आपको अपनी आत्मा में समझना है. Just because you cannot know him or understand him with your 5 senses, don't think he does not exist. He is supernatural, beyond our senses, but very real. अगर आप अपने 5 ज्ञानेंद्रियों की तरह उसे अगर महसूस नहीं कर पाते तो आप ये मत कहिए कि कोई ईश्वर नहीं है. यीशु मसीह नहीं, वो एक अलौकिक शक्ति है और वो आपके इस 5 ज्ञानेंद्रियों से भी परे है. Make him your personal friend. उसे अपना दोस्त बना लो. Tell him your sins and weaknesses. और अपनी कमजोरी और पाप उसे बताओ. He wants to clean up your life and make you a clean person. और वो आपके जीवन को शुद्ध करके एक शुद्ध व्यक्ति बनाएगा. There's much more to say, but I will stop the first point with that. बहुत कुछ कहने को है, लेकिन इस एक विषय के साथ मैं इस विषय को समाप्त करता हूँ. The second thing that I want to tell all Christians. और मैं दूसरे विषय सारे मसीहों को कहता हूँ. There is a general teaching that says that to go when Jesus comes, you must be born again. और हम लोग सब साधारण रीति से इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि यीशु मसीह के अगर आत्मा में जाना है तो नए सिरे से जन्म लेना. But I want to tell you that that's not enough. लेकिन मैं कहूंगा कि ये काफी नहीं. It's not even enough to take water baptism. बपतिस्मा लेने से भी मात्र ये काफी नहीं. It's not even enough to receive the Holy Spirit with a sign of speaking in unknown tongues. अन्य अन्य भाषा के चिन्ह के साथ पवित्र आत्मा पाने से भी काफी नहीं. These are just the fundamental steps. They are necessary but not sufficient. ये सब कुछ प्राथमिक शिक्षा है, ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन यही काफी नहीं है. So you can be born again and you can take baptism, you can receive the Holy Spirit and speak in tongues and still be left behind. आप नए सिरे से जन्म ले सकते हैं, भी ले सकते हो, अन्य अन्य भाषा में पवित्रात्मा का शक्ति भी पाने के बाद भी आप हाथ छोड़ दिए जा सकते हो. So after receiving all these, after going through all these experiences, there's a long journey to make. ये सारे अनुभव को प्राप्त करने के बाद, ये सारे आशीष को प्राप्त करने के बाद फिर आपको एक लंबी यात्रा करना है. What is the standard that qualifies you to go when Jesus comes? यीशु की आत्मा में जाने वाला वो दर्जा या मानदंड क्या है? Turn to 1 John chapter 3. पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय को देखिए. And read verse 2 and 3. दूसरा तीसरा वचन को पढ़िए. हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे. इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है. और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है. 11. Now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Now listen to the words of these verses. यहाँ पर इन वचनों में जो शब्द का उपयोग किया उसे देखिए. Jesus is going to come. यीशु आ रहा है. And how we are going to be transformed when he comes is not apparent or not visible now. और हम उसके आगमन में किस प्रकार रूपांतरित होंगे वो वर्तमान अभी दिखाई नहीं दे रहा. But when he appears, we know that we also will be glorious, glorified like he is glorious. किंतु जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान महिमा को प्राप्त करेंगे जैसा उसने महिमा को पाया है. And the third verse says, any man, every man that hath this hope
that when Jesus is coming, he will be transformed. What will he do? He will purify himself even as Jesus is pure. और तीसरे वचन में हम इस प्रकार देखते हैं कि हर एक व्यक्ति जो यीशु के आगमन में रूपांतरित होना चाहता है या जाना चाहता है, वो हर एक व्यक्ति यीशु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए अपने आप को वैसा ही पवित्र करे जैसा वो पवित्र है. That's the standard. और यही हमारी दर्जा. That's what will qualify you to go when Jesus comes. और यही वो योग्यता है जब यीशु मसीह के आगमन में हमें जाने के लिए. What is that? और वो क्या? You will purify yourself as Jesus is pure. और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह शुद्ध और पवित्र है, आप ही अपने आप को वैसा ही शुद्ध पवित्र करें. Not some standard of purity, not just any standard of purity, but the standard of Jesus purity. पवित्रता का कोई मानदंड नहीं या कुछ भी मानदंड नहीं, लेकिन हमारी पवित्रता का जो दर्जा है वो यीशु मसीह का है. So our standard is we have to become the, you know, we're going to get married to Jesus. And to be married to Jesus, we can't be like what we are. We have to be pure as He is pure to sit with such a pure person on His throne. हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं और हम उसके साथ विवाह करने को जा रहे हैं. अगर हम उसकी दुल्हन बनकर के दिखाई देना है, तो जैसी हमारी अवस्था है, उसी अवस्था के साथ उस पवित्र शुद्ध व्यक्ति के साथ हम हो नहीं सकते. और अगर हमें उसके साथ होना है, तो जैसा वो पवित्र शुद्ध है, हमको उसी रीति में उसी नाप में हम अपने को शुद्ध पवित्र करें कि उसके साथ विवाह पाने के बाद उसके सिंहासन में बैठे. You may be an angry person. आप एक क्रोधी व्यक्ति होंगे. A short-tempered person. आपको तुरंत गुस्सा आता होगा. You may be a person with lust burning in you. आपके अंदर अभिलाषा जलती होगी. You may have some kind of bitterness against some others who have done something against you. शायद आप तो उस व्यक्ति के विरुद्ध में कड़वाहट रखते हैं जो आपके विरुद्ध में कुछ किया हो. You may be a proud, conceited, egoistic person. शायद आप लोग एक अभिमानी, स्वाभिमानी और घमंडी व्यक्ति होंगे. Whatever you are, आप कुछ भी क्यों ना हो, if you surrender to Jesus, Jesus can change you. अगर आप अपने आप को समर्पण करो तो यीशु आपको बदलेगा. If you want to be pure as he is pure, he is willing to cooperate with you and lift you up to that standard no matter how bad or evil you are. अगर आप उसके समान शुद्ध पवित्र होना चाहते हो, तो आप कितना भी बुरे और कितने भी गंदे चरित्र के क्यों ना हो, वो आपको मदद करने के लिए तैयार है. So ultimately to sit with Jesus on his throne as his bride, we have to grow into the character of Christ. हम यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन में उसकी दुल्हन के समान अगर बैठना है, तो हमें चाहिए कि उसकी स्वभाव में पड़े. Now see how far away we are from the perfection of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के उस शुद्धता या पूर्णता से हम कितना दूर हैं, अपने आप को देखो. We may have some kind of holiness, but the holiness of Christ, we are far away. हमारे अंदर कुछ हद तक पवित्रता ही होगी, किंतु क्या यीशु मसीह की पवित्रता ही के नजदीक है या हमसे बहुत दूर है? Look at Jesus. यीशु को देखो. When they told lies about him, when they handcuffed him, when they smote him, when they demanded questions, answers from him, he kept silent. He was as a lamb before the shearers is dumb. और जब यीशु मसीह के विरुद्ध में झूठ के पर झूठा साक्षी बोलने लगे, जब यीशु मसीह के हाथ पर कोई पैर को बांध दिया, जब यीशु मसीह को लोग मारने लगे, निंदा करने लगे, उस समय में यीशु मसीह ने अपना मुंह भी नहीं खोला. सवालों के पर सवाल पूछा, लेकिन उसने ज्यादा उत्तर कुछ भी नहीं दिया. यीशु मसीह एक ऐसे भेद के समान दिखाई दिया जो खून कतराने वाले के सामने खड़ा होता है. But we human beings are not dumb. Anyone speaks against us, we have an essay to narrate to them. हम जो मनुष्य हैं, उसके समान गूंगे और बहरे नहीं है. अगर कोई एक शब्द भी अगर हमसे बोलते, तो उसके विरुद्ध में निबंध लिखने के लिए बोलने के लिए तैयार. Someone says something against us, somewhere the anointing comes and we don't know where the words come from, we will unleash all the words we know. और कुछ भी अगर कोई कुछ बोल दे, बस कहां से हमको शब्दकोश या शब्द मिलता है, कहां से इतने सारी बातें हमको बोलने के लिए आता है पता नहीं, बस जो भी है बोलते चले जाते हैं. So when we are so backwards, अगर हम इतने पिछड़े, and we have to go so much forward, और अगर हमको बहुत आगे जाना है, brother, Christian brother, sister, मसीही भाई बहन, when there's so much to be done and you're far away from the standard of the bride, उस दुल्हन के दर्जे में आने के लिए हमारा दर्जा बहुत ही पिछड़ा अगर है, और अगर हमारे अंदर बहुत कुछ करना बाकी है, I ask you, is this the time for you to pray that God will give you a good job, or that God will bless your business, or pray that you might get a visa to go abroad, or to pray that you all might purchase some good land? This is not the time to focus on these things. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर ऐसा या इतना समय बाकी है, तो
ये क्या वो समय है जहां पर हम ये प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर तू मुझे अच्छी नौकरी दे, तू मुझे तरक्की दे, पैसा दे, एक जगह खरीदने के लिए मुझे मदद कर, या मुझे विदेश को जाने के लिए वीजा दे। My God will supply all your need from the riches of His glory. He is your heavenly Father. You don't have to go and beg Him about what you need. He knows what you need and He will supply your need. But you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Mera Parmeshwar ye sab kuch aapko dega. Wo sab kuch janta hai ki aapko kis prakar aashish karna hai. Usko aapki sari vishay ko wo janta hai. Bas aapko kya karna hai? Aapko itna karna hai ki uski rajya, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं आपको दे दी जाएंगी। The Bible says, set your affection on things above, and does not stop with that. It continues to say, and not on things on the earth. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि तुम अपनी दृष्टि को स्वर्ग की विषय की ओर लगाओ, और उसके साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि तुम लोग इस जगत की बातों की विषय में चिंता ना करो। When we are far away from the standard of the Christ and we are praying for mundane, earthly, worldly things, how foolish we are! हम लोग जब परमेश्वर के मानदंड से कोसों दूर हैं, और उस समय में जब कोसों दूर हैं, बैठ करके इस जगत की विषय के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं, तो कितने मूर्ख हैं हम! It's not enough to be born again. It's not enough to be spirit baptized. और अभी केवल एक जल में रहने का या आत्मा में अभिषेक पाने का केवल मात्र समय नहीं। You look at St. Paul. St. Paul को देखो। He was a saint. वो एक संत था। He was a servant of God. वो परमेश्वर का दास। But look at what he says in the scriptures about himself. वो अपने विषय में वचन में क्या कहता है देखो। Read Philippians chapter 3. फिलिपियों की किताब तीसरा अध्याय। And read verse 11. 11 वचन। ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। By any means I might attain unto the resurrection of the dead. He doesn't say I'm going to attain because I'm a saint. He said, after being a servant of God, in spite of being a servant of God, he's saying, by any means I must attain unto the resurrection of the dead. वो ये नहीं कहता कि मैं संत हूँ, ये मैं साधु हूँ, ये परमेश्वर के दास हूँ, इसके लिए मैं जरूर स्वर्ग में जाऊँगा। लेकिन वो इस प्रकार कह रहा है कि किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। If it's enough to be born again, if it's enough to be spirit baptized, why should St. Paul say this? He can sit with confidence. Why should he say, somehow I must attain the resurrection of the dead? नया जन्म लेना काफी है, अगर पवित्र आत्मा की शक्ति ही केवल प्राप्त करना काफी है, तो क्यों वो इस प्रकार कहता है कि किसी रीति से भी मैं मरे हुओं में से जी उठने तक या उस पद तक मैं पहुंचूं करके। Turn also to Ephesians chapter 4. Ephesians kitab chote adhyay ko bhi dekho. We read there in English it's in verse 12, for the perfecting of the saints. 12 vachan is prakar likha hua hai, pavitra log siddh ho jaye. Now if it's enough to be born again, if it's enough to be a saint, and you're going to go when Jesus comes, if you're just a saint, why should St. Paul speak of the perfecting of the saints? Agar naya sire se janam lena hi kafi hai ya, एक संत बन जाना ही अगर काफी है, तो क्यों संत पौलुस यहाँ पर लिखता है पवित्र लोगों के सिद्ध होने के विषय में? In this chapter it is said God has given to His church apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, so that the believer, the Christian, can come and become a perfect man and reach the measure of the stature of the fullness of Christ. और यहाँ पर संत पौलुस इस प्रकार लिखता है कि परमेश्वर ने कलीसिया में भविष्यवक्ता को नियुक्त किया, और सुसमाचार सुनाने वालों को, कितने को रखवाला और कितने को उपदेश करके उसने इसके लिए दिया, ताकि परमेश्वर की देहरूपी कलीसिया शुद्धता को प्राप्त करते हुए एक शुद्ध पुरुष होकर के दिखाई दे और मसीह की उस डील और दौल तक पहुंचाए। So our standard is not to be satisfied with being born again. इसके लिए हम लोग नए सिरे से जन्म लिए उस दर्जे से तृप्त न हो। It's not enough just to go to church somewhere. केवल कहीं चर्च में जाने से काफी है करके न सोचो। You have to go somewhere where you can grow to the fullness of the stature of Christ. आपको कहीं जाना है जहाँ पर आप मसीह की डील दौल तक बढ़ सको। To become the bride of Christ, you have to become like Jesus to be qualified to sit with Him. यीशु मसीह की डील बनकर के, यीशु मसीह के योग्य बनकर के, उसके सिंहासन में बैठने की योग्यता To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. You have to be an overcomer, not just a born again person. जो जय पाएगा उसे मैं मेरे साथ मेरे पिता के सिंहासन में बैठने का अधिकार दूंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल नए सिरे से जन्म लो, आपको जयवंत बनना है। You have an enemy. He's going to stop preventing. He's going to try to prevent you from becoming the bride. एक शत्रु आपका है जो आपको दुल्हन बनने के लिए रोकती रहती है। On the journey of becoming the bride,
के जयवंत बनना है. He that overcometh in that battle will sit with Jesus on his throne. जो भी कोई इस लड़ाई में लड़कर के जय पाएगा वही यीशु के साथ सिंहासन में बैठेगा. We'll just read one more verse and stop. एक वचन को पढ़ के हम समाप्त करेंगे. Revelation chapter 22. प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय. Read verse 11 and 12. 11-12 वचन. जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे और जो मलिन है वो मलिन बना रहे और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है. He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly. Behold, I come quickly. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ. So the previous verse is more specific to the last days when Jesus comes. और उसके ऊपर का जो वचन है, अंतिम दिनों के विषय में खास तौर से बता रहा है. So what's going to happen in the last days? अंतिम दिनों में क्या होगा? Two things are going to take place. दो बातें होंगी. One group is going to go from holiness to holiness, from righteousness to righteousness. एक जुल के लोग पवित्रता से और भी पवित्रता की ओर, धर्म से और भी धार्मिकता की ओर जाएंगे. One group of people, they are going to grow rapidly in holiness towards the image of God to become like Christ. एक जुल के लोग प्रभु यीशु मसीह के उस दिल को तक बढ़ने के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे. On the other hand, another group of people, they are going to fall rapidly from grace and grow from filthiness to further filthiness. लेकिन दूसरे जुट को देखने के समय में बहुत ही तेजी से उनके अंदर गिरावट आएगी और वे लोग अन्याय से और भी अन्याय बन जाएंगे. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. और देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ और हरेकों के कामों के अनुसार प्रतिफल मेरे पास है. Christian brother, Christian sister, मसीह भाई और बहन, non-Christian brother, non-Christian sister, गैर मसीह भाई, गैर मसीह बहन, you have heard so much in these days. इन दिनों में आपने बहुत कुछ सुना. There are decisions that you have to make. आपको कुछ निर्णय है जो लेना. You can't just walk away from this place and say, I will think of this and decide later. और मैं बाद में सोचूंगा करके धो करके स्थान से जाने का समय नहीं. It might cost you your eternal life. ये शायद आपको अनंत जीवन का परिणाम देना पड़े. You can lose your life unnecessarily simply by postponing your decisions. आपके निर्णय को देरी करने के द्वारा आप अपने जीवन को खो बैठोगे. Before you leave this place, decide what you are going to do. इस स्थान को छोड़ने से पहले आप सोचो क्या करना है आपको. Are you going to give your life to Jesus? क्या आप अपने जीवन को यीशु को दोगे? Are you going to surrender to Jesus? क्या आप यीशु को अपने आप को समर्पण करोगे? Or are you going to continue to live as you have been living till now? क्या आप अभी तक जी रहे हैं इसी प्रकार जीने के लिए जीते रहोगे? Are you going to love the things of this world? Or are you going to put a full stop to that and seek things that belong to heaven? इस संसार को आप प्रेम करते रहोगे या उसके पूर्ण विनाश करके स्वर्ग की बातों की खोज करोगे? Are your dreams going to be about how to prosper in this world? Or are your ambitions going to be focused on how to go when Jesus comes? या आपकी सपना यह है कि किस प्रकार मैं इस संसार में समृद्धि को प्राप्त करूं? या आपका लक्ष्य है कि कैसे मैं भविष्य के राज्य में जाऊं? If you have 50 crores in your bank account, अगर आपके बैंक अकाउंट में 50 करोड़ रुपए हो, you are going to lose it quickly. आप बहुत ही शीघ्र खो बैठोगे. The Antichrist will freeze that money. Antichrist उसको जब्त कर लेगा. And he will give it back to you only if you take his mark. और वो तभी आपको लौटाएगा जब आप उसकी छाप लोगे. And if you take his mark, the Bible says you will go to hell. और धर्म शास्त्र कहती कि अगर आप उसकी छाप लोगे तो आप नरक जाओगे. So what are you going to do? तो क्या करना है? Either get ready to leave that 50 crores and be transported and transformed and vanish from this world when Jesus comes, or keep your 50 crores and take the mark of the beast and be doomed and damned forever. एक तो 50 करोड़ रुपए को छोड़ करके उसको यात्रा बोल करके रूपांतरित हो करके उस राज्य में चले जाओ जहां पर शांति और स्वर्ग है, या फिर इस 50 करोड़ का लोभ करते हुए उसको देखते हुए मसीह विरोधी के राज में प्रवेश करके उसका छाप लेकर के नित्य नरक, नित्य दंड, नित्य कष्ट में चले जाओ. Shall we close our eyes? अपनी आंखों को बंद करेंगे. We have heard much these days. इन दिनों में हमने बहुत सुना. What are we going to decide? अब हम क्या निर्णय लें? Are you going to give your life to Jesus? क्या आप अपने जीवन को यीशु को दोगे? I want to tell you. मैं आपसे कह दूं. All rivers do not may lead to the oceans, but all teachings and philosophies and religions do not lead to the same God. जिस प्रकार सारी नदियां जो है वो समुद्र में जाती है, उसी प्रकार हर एक धर्म की शिक्षा और हर एक सिद्धांत एक ईश्वर के पास
कभी नहीं ले जाता। We are not here to promote a religion. हम यहाँ पर धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं। We are not asking you to become Christians. हम ये नहीं कहते कि आप मसीही बन जाओ। We are not here to promote our own church. हमारे चर्च को बढ़ावा देने के लिए ही हम यहाँ नहीं। We have come here to introduce a person into your life. आपके जीवन में एक व्यक्ति का परिचय देने के लिए यहाँ है। He is Jesus, who can be not only a friend and savior, but can take you right all the way to the throne. लेकिन हम आपको उस व्यक्ति यीशु मसीह का परिचय देने के लिए यहाँ हैं, जो आपका उद्धारकर्ता और आपका मित्र है, जो एक लंबी यात्रा के द्वारा उस सिंहासन में आपको ले जाए। You may not know anything. शायद आप कुछ भी नहीं जानते होंगे। But you don't have to know anything. You just know Jesus and follow Him. He will take you to the end. आपको कुछ जानने की भी जरूरत नहीं है। केवल यीशु मसीह के हाथ में आपको समर्पण करो, वो आपको अगुवाई करेगा। You may not have understood half of what was preached here because you're illiterate, you're poor, you're uneducated. आप शायद अनपढ़ व्यक्ति होंगे, गरीब होंगे, समझ नहीं रखते होंगे, शायद इसलिए जितना भी कुछ हमने कहा उसका आधा भी नहीं समझे होंगे। But that does not matter. You just close your eyes and say, Jesus, I give my life to you. कोई बात नहीं, आप आंखों को बंद करो, केवल इतना कहो कि हे यीशु, मैं मेरा जीवन तुझे देता हूं। Tell Jesus, close your eyes and tell Jesus, I want to sit with you on your throne. I want to overcome. Please take my hand. आप केवल आंखों को बंद करके घुटने में होते हुए केवल परमेश्वर से यह कहो कि हे परमेश्वर, मैं तेरे सिंहासन में दिखाई देना चाहता हूं, तू मेरी मदद कर। All those who would like to surrender to Jesus. जितने भी लोग यीशु को अपना समर्पण करना चाहते हैं। All those who would like to give your future to Jesus. जितने भी लोग अपना भविष्य यीशु को देना चाहते हैं। All those who say, I don't want to be left behind when Jesus comes. जो चाहते हैं कि यीशु के हाथ पर मैं हाथ छोड़ दिया ना जाऊं। When the world wars break out and there's going to be bloodshed and blood is going to flow like a river on this planet. जब इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर जब युद्ध छिड़ा जाएगा, लहू पानी नदी के समान बहने लगेगा। There are prophecies in the Bible which say in India many are going to die. भविष्यवाणी यह कहती है भारत में भी बहुत मरेंगे। But to escape all those things, लेकिन उस सब बातों से बच निकलने के लिए, the trumpet is going to sound very quickly, बहुत ही शीघ्र तुरी का शब्द फूंका जाएगा। Behold, I come quickly, मैं शीघ्र आता हूँ। Maranatha means Jesus is coming soon. Maranatha, यीशु शीघ्र आ रहा है। Those who want to go when Jesus comes, जो यीशु के हाथ में जाना चाहते हैं। Those who want to become like Jesus when Jesus comes, यीशु आएगा उसके समान जो होना चाहते हैं। Those who want to grow in the character of Jesus and be holy as Jesus is, जैसा यीशु का स्वभाव है उस स्वभाव में आकर के यीशु की पवित्रता को जो पाना चाहते हैं। Those who want that lust and bitterness to go out of you, जो चाहते हैं कि आपके अंदर से ये कड़वाहट और अभिलाषा चली जाए। You are trying, you can't. आप कोशिश करते हो, होता नहीं। Then you want Jesus? तो क्या आपको यीशु चाहिए? You want Jesus to take you till the end? क्या आप चाहते हो कि आखिरी तक यीशु आपकी मदद करे? Now surrender. तो आप अभी समर्पण करो। If you want to surrender your life to Jesus, अगर आप अपने जीवन को यीशु को सौंपना चाहते हो, as a sign of your surrender, अपने समर्पण के चिन्ह स्वरूप, at the end of this meeting, इस सभा के आखिरी में, please stand up. आप कृपा करके खड़े हो जाइए। We have reached the end of this meeting. If you are surrendering, please stand up. हम लोग सभा के अंत में आ गए हैं। अगर आप सौंपना चाहते हो, अपने जगह में खड़े हो जाओ। Within a few minutes, this meeting will close. अल्प समय के उपरांत ये सभा समाप्त होगा। But before that, God is going to send His fire from heaven. लेकिन उससे पहले परमेश्वर सबसे अग्नि भेजेगा। Before Jesus went up the first time, लेकिन तब यीशु मसीह पहली बार स्वर्ग आरोहण हुआ। Jesus said, I'm going to come again. यीशु मसीह ने कहा, मैं दोबारा आऊंगा। But to get you ready, I'm going to send down the Holy Spirit. किंतु तुमको तैयार करने के लिए मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। And the early disciples waited in the upper room and they received the Holy Spirit. ऊपर की अटरी में पहले शताब्दी में शिष्य लोग पवित्र आत्मा की बातें हैं। 2000 years ago, on one particular day called the day of Pentecost, the Holy Spirit came down. 2000 साल पहले एक खास दिन में जिसको पेंटिकॉस्ट का दिन कहा जाता है, from पवित्र आत्मा उतर आया। From that day till today, the Holy Spirit is on this planet. उस दिन से लेकर के अब तक इस ग्रह में पवित्र आत्मा है। The Bible also prophesies saying, in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. भविष्यवाणी यह कहती है कि अंतिम दिनों में मैं हर एक प्राणी के ऊपर अपनी आत्मा डालूंगा। If you have not received the Holy Spirit till now, believe now the Lord will baptize you with the Holy Spirit with the sign of speaking in tongues. अभी तक अगर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को नहीं पाए, आप विश्वास कीजिए तब पवित्र आत्मा की शक्ति अन्य भाषा के चिन्ह के साथ आपकी ऊपर आएगी। The Holy Spirit is moving in us. पवित्र आत्मा हमारे बीच में जा रहा है। From Nagpur, a group of people are going to be transformed to become the bride of Jesus Christ. नागपुर से
यीशु मसीह की आत्मा में यीशु की दुलित बनकर के रूपांतरित हो गए। Dear brother, dear sister, he does not want you to be left behind। प्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम हाथ छोड़ दिए जाओ। If you want to go when Jesus comes, यीशु मसीह की आत्मा में अगर आप जाना चाहते हो, He has given us the power of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा की शक्ति उसने आपको दी। That Holy Spirit will enter into your body। वो पवित्र आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करेगा। You will sleep, the Holy Spirit will not sleep। आप सोते रहोगे कि तुम हाथ में नहीं। Day and night He's going to work in every cell in your body। हर एक दिन, हर एक रात आपके शरीर के हर एक कणों में वो कार्य करेगा। And He's going to prepare your body for the day of redemption। छुटकारे के दिन के लिए वो आपको तैयार करेगा। Very soon the trumpet is going to sound। बहुत ही शीघ्र तुरी फूकी जाएगी। Jesus will appear in midair। यीशु मसीह मध्य काल में प्रकट होगा। In a moment, in the twinkling of an eye। क्षण भर में पलक झपकते। Your dirty body, आपका body of flesh is going to be transformed into a glorious body। आपका गंदा शरीर, आपका मांसपेशी शरीर, आपका अपवित्र शरीर एक स्वर्गीय शरीर में रूपांतरित होगा। And you will disappear from this earth। और आप इस पृथ्वी से गायब हो जाओगे। Those who want it, जो चाहते। Now the Holy Spirit is moving in our midst। अभी पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा। Those who want to surrender your bodies, जो अपने शरीर को सौंपना चाहते। Tell Lord, I surrender my life to you। आप प्रभु को बोलो, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे सौंपना चाहता हूँ। The Holy Spirit is moving in our midst। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रही। Oh, the Spirit of God is moving in our midst। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रही। He's going to take away that weakness in you। आपकी दुर्बलता को ले जाने के लिए। He's going to take away that bitterness in you। आपके अंदर की कड़वाहट निकालने के लिए। He's going to take away that anger inside you। आपके अंदर के क्रोध को निकालने के लिए। There is a quarrel in your family। आपके परिवार में लड़ाई है। But if you surrender to the Holy Spirit, He will solve that problem। अगर आप पवित्र आत्मा के लिए सौंपोगे तो वो आपकी समस्या का समाधान करेगा। The Holy Spirit is moving। पवित्र आत्मा मंडरा रहा। Jesus. When you feel the Spirit of God coming upon you, जब आप इस बात को महसूस करोगे कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रही, तो सौंप देना। Surrender, let Him take control। सौंप दो कि वो आपका नियंत्रण करे। Few minutes we are going to wait in the presence of God। कुछ समय के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठेंगे। The Holy Spirit is going to prepare you for the coming of Jesus Christ। पवित्र आत्मा उसके आगमन के लिए आपको तैयार करेगी। Today some of you are going to newly receive the Holy Spirit। आज कुछ नए रूपी से अभिषेक पाने जा रहे हैं। Receive now। Now we are not going to sing any song। अभी कोई गाना नहीं गाएंगे। After a few minutes we are going to sing some songs। कुछ समय के बाद गाएंगे। But now the Holy Spirit is going to work in you। लेकिन अभी पवित्र आत्मा आपके लिए काम करेगी। You have not received the Holy Spirit। अगर अभिषेक नहीं पाए हो, just lift up your hands and look to God and say, praise the Lord, praise the Lord। अपने हाथ को उठाते हुए परमेश्वर के देखते हुए कहो, परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। As you say, praise the Lord। जैसे जैसे आप कहोगे परमेश्वर तेरी महिमा हो, the anointing will descend upon you। पवित्र आत्मा की शक्ति उतरेगी। You will start speaking in new tongues। आप अन्य अन्य भाषा में बात करोगे। Start praising God। परमेश्वर की महिमा करना शुरू करो। What is that showing? वो क्या दिखा रहा? God is taking control of your life। आपके जीवन का नियंत्रण पूर्ण कर रहा। Surrender to Him now। उसके लिए सौंपो। The anointing is coming down। अभिषेक आ रही है। The Holy Spirit loves you। पवित्र आत्मा आपको प्यार करता है। The Holy Spirit wants your body। पवित्र आत्मा आपके शरीर को चाहता है। The Holy Spirit has the power to change your body and make it into a glorious body when Jesus comes। अभी यीशु मसीह की आत्मा में पवित्र आत्मा की बहुत शक्ति है कि वो अपने शरीर को रूपांतरित करके पवित्र बना दे। Now
Many Christians are going to fall away from the faith. कई मसीही लोग विश्वास को छोड़ के चले जाएंगे. Many are going to backslide. कई लोग पीछे हट जाएंगे. He that is filthy, let him. जो अशुद्ध है वो अशुद्ध बना रहे. But you, O child of God, you receive the Holy Spirit. लेकिन आप परमेश्वर के संतान हो. You grow in पवित्रता के शक्ति बनो. You grow in holiness. आप पवित्रता में बढ़िए. You don't backslide. You go forward. आप पीछे न हटो. आगे बढ़ो. You fight the good fight of faith. आप विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो. You become an overcomer. आप जयवंत बनिए. When that anointing comes down upon you, जब पवित्रता का अभिषेक आपके ऊपर आएगी, what is the Holy Spirit telling you? पवित्रता क्या कहेगी? You belong to me. तू मेरा है. I am taking responsibility of your life. मैं तेरी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता हूँ. So when the anointing comes down, जब पवित्रता का अभिषेक आ रहा, when you receive the Holy Spirit, जब पवित्रता पाते हो, remember you belong to God. याद रखिए कि आप ईश्वर के हो गए. From today you are God's property. आप परमेश्वर के संपत्ति. The Holy Spirit is going to prepare your body for the day of redemption. उसके छुटकारे के दिन के लिए पवित्रता को तैयार करेगा. Finger.